हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एपिसोड नंबर 14 में पहुंच गए, जिसमें हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाला, इसके पहले के पहले वाला वीडियो आपको देखा होना चाहिए, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स एक मूविंग चार्ज के ऊपर कैसे लगता है जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। वो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर पाथ वाला, तभी ये साइक्लोट्रॉन का मतलब कि जो फॉर्मूला और वर्किंग वो समझ में आएगा। हालांकि उसका ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूला जो है उससे जो निकला था उस रिजल्ट्स को यहाँ यूज़ करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, तो वो वाला आपको आना चाहिए। एक लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें होगा कि एक जब मूविंग चार्ज एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है और ये सब, ठीक है, और कितना रेडियस बनाता है वो सर्कुलर पाथ में, वो आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी साइक्लोट्रॉन का समझने के लिए, मतलब इसका ये डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको समझने के लिए उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको समझते हैं हम लोग पूरा, सारा चीज, एवरीथिंग, सारा चीज कवर करेंगे साइक्लोट्रॉन के ऊपर, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले साइक्लोट्रॉन आया कैसे, इसका स्टोरी समझते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये समझते हैं भाई साइक्लोट्रॉन है क्या। तो पहले एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, किताब में लिखा रहता है। अब इस पहले है क्या है, पढ़ना क्या है इसके अंदर, पहले वो समझो। अच्छा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जैसे कैसे एमीटर होता है जिसका, जिसके मदद से हम लोग करंट नापते हैं, वोल्ट मीटर होता है, वैसा नहीं है ये कुछ। लेकिन हाँ, मतलब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है फिजिक्स के अंदर। एसी जनरेटर सुनी हो, ट्रांसफार्मर सुनी हो, सबका अलग 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 काम होता है, वैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट का भी एक काम है। लेकिन एक खास बात इसके बारे ये है, उन सब से अलग करता है, एसी जनरेटर, डीसी, ये सब सब जितना भी डिवाइसेस तुम सुनी हो आज तक फिजिक्स में, तो उन सब से अलग इसको क्या बनाता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जितना ये रूम को कवर कर ले उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अब क्या भाई साहब ऐसा क्या करता है ये? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंस, और एक था तुम्हारा लिविंगस्टोन, है ना, दो साइंटिस्ट था। लॉरेंस मतलब वो लॉरेंस नहीं, लॉरेंस फोर्स वाला, लॉरेंस LAWRENCE, अलग साइंटिस्ट था लॉरेंस, वो अलग था, वो LORENTZ वाला लॉरेंस था, वो अलग साइंटिस्ट, ये अलग साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट था, है ना, दोनों बहुत बड़ा 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 आदमी था दोनों, है ना, तब ना इतना खतरनाक इंस्ट्रूमेंट बना पाया। और एक का नाम था तुम्हारा लॉरेंस, ये वाला लॉरेंस, और एक दूसरा था तुम्हारा लिविंगस्टोन। अब लिविंगस्टोन जो भी नाम था यार, हमको इतना याद है थोड़ा बहुत, लिविंगस्टोन के जैसा कुछ नाम था उसका, है ना, दो साइंटिस्ट थे, ये लोग का टाइटल है दोनों, ठीक है। और ये दोनों मिलके 1934, ज़्यादा मतलब ज़्यादा साल नहीं हुआ है, 1934 में मिलके ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया था साइक्लोट्रॉन। अब भाई साहब क्या था इन लोगों के दिमाग में खुराफाती जो इंस्ट्रूमेंट बनाया। पहले तो भाई साइक्लोट्रॉन कैसा दिखता है, क्या दिखता है, वो सब समझाएंगे हम सारा। पहले समझो ये लोग के दिमाग में चल क्या रहा था। देखो, तुम सुनी होगी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो बीच में होता है, ठीक है, और उसके अगल बगल क्या होता है, शेल होता है, जिसमें क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ दो है, अब ये मत बोलो सर ये कौन सा आइटम है, बताइए कोई भी आइटम, मान लो सोडियम, मान लो, ठीक है, सोडियम का आइटम मान लो, तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन होगा, ये कौन सा शेल होता है, KL होता है ये, है ना, इसमें और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इन लोगों का दिमाग में क्या चल रहा था ये दोनों का, कि ये न्यूक्लियस तक एक तुम सुनी होगी, नाम सुनी होगी पहले बचपन में, अल्फा पार्टिकल सुनी तो होगी, हालांकि पता नहीं होगा क्या होता है, सुनी होगी हाँ, अल्फा पार्टिकल उसको बोलते हैं जो कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे ही बोले तो कितना पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो प्लस, उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है। अब ये लोग क्या, अच्छा ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत खतरनाक बात है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम सुनी हो केमिस्ट्री में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव उसको बोलते हैं जो एलिमेंट तुरंत से खत्म हो जाता है। जैसे अभी एक एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ, यूनियम, है ना, अभी 119वां यूनियम, यूएन है शायद उसका सिंबल, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 119, यूनियम नाम है इसका। तो जो यूनियम है ये भी रेडियो एक्टिव है। अच्छा ये इतना बाद में क्यों पाया गया, मतलब बाद में का मतलब ये नहीं कि अभी पाया गया यार, 2015 में खोजा गया इसको, 2015 में, लेकिन ये आखिरी पाया हुआ एलिमेंट है, 2015 में पाया गया। अब ये यूनियम के बारे क्यों इतना बाद में मिला, ये क्योंकि इसका ऑकरेंस बहुत कम है। देखो रेडियो एक्टिव बोलने का मतलब कि जो पाया बहुत कम जाए, तुरंत डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये ना एकदम तुरंत ही खत्म हो जाता था, एकदम एक सेकंड भी नहीं रुकता था, मिली सेकंड में डिके हो जा रहा था। तो जो एलिमेंट डिके होता है ना, नष्ट होता है, उससे ये निकलता है अल्फा पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल्स रिलीज होता है उससे। देखो देखो तुम सुनी होगी कि एक एलिमेंट जो होता है क्या चीज़ से बना होता है, एक एलिमेंट के अंदर क्या क्या होता है, या फिर मतलब एक आइटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, शेल होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, बताओ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा या बीच से निकलेगा, खुद बताओ सोच के भाई, यहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, हाँ न्यूक्लियस से निकलेगा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो अब ये लोग सोचा कि अगर हम यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल लें, और ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आएगा, पता चला कि नहीं पता चला, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये लोग सोचा इस प्लस को जाके यहाँ एकदम धसोड़ देना है, ये वाले में घुसा देना एकदम जाके, ये एक मान लो ये सोडियम का आइटम है, किसका आइटम है, सोडियम का आइटम है, इसमें जाके घुसेड़ देना है यहाँ पर,
अब तुमको पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो यहाँ पर कितना प्रोटॉन होगा, 11 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये लोग चाहता है इसको यहाँ घुसा दे, लेकिन बहुत मुश्किल है ये काम करना। मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ जाएगा तो इसका रास्ता में ये डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा इधर आ इधर आ। अब खाली यही इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, नहीं, इस शेल में भी तो होगा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही अल्फा पार्टिकल, देखो पहले समझो ये न्यूक्लियस ऐसे नहीं है यार, ये ऐसे है न्यूक्लियस, बनाए ऐसे है ना, है ये ऐसे न्यूक्लियस, और सामने जाके किसको घुसेड़ना है सामने, तो टारगेट ये है, दिस इज द टारगेट। जैसे तुम्हारा होता है कि पढ़ने बैठना है लेकिन कभी किसी का मैसेज आ गया क्या कर रही हो, या फिर किसी का कॉल आ गया, या मम्मी बुला ली, पापा बुला लिया, या फिर कोई दोस्त बोल दिया अरे क्या कर रहा है, तो वही चीज़ है। तो इसका डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, लेकिन इसको यहाँ हिट करना है। अब यहाँ हिट करके तुमको पता है कुछ मिलने वाला नहीं है, ये प्लस चार्ज है, ये इस प्लस से टकरा कर रिपेल हो जाएगा, यही होने वाला है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी तरह जाके उसको यहाँ हिट करें, और तुमको पता है कि ये न्यूक्लियस में पहले से ही कितना पॉजिटिव चार्ज है, 11। तो ये एक और प्लस यहाँ जा पाएगा, सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये एटम इसका तबाह हो जाएगा। तो ये लोग ऐसा कुछ करना चाहता है मतलब, लेकिन कहाँ टारगेट करना चाहता है, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं। अब जब इसको भेज रहा है तब ये वापस आ जा रहा है, क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ जा रहा है, ये लोग अट्रैक्ट कर ले, तो अल्फा पार्टिकल यहीं भिड़ गया, यही लोग से प्यार करने में बिजी हो गया, यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस बहुत अंदर में होता है ना, क्या करे। तो ये लोग सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड दे देते हैं, क्या करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड या फिर चेंजिंग स्पीड देते हैं। और तुमको पता है कि फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड किसी का बढ़ाते हैं या बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं किसी का स्पीड को, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। या ऐसा बोलो कि इस पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, यहाँ देखो चूहा देख रही हो कहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल को हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेलरेट। भाई साहब करें कैसे, और इसका इसको करने का हम सोच रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प ले इसमें, मतलब जरूरी दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या चाहे तो दोनों को ले सकते हैं। लॉरेंस साइंटिस्ट है ना, ये लॉरेंस नहीं, अभी इससे पहले लॉरेंस के बारे पढ़े हैं, जो फॉर्मूला दिया मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी साइन थीटा, वो बताया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में भी ले सकते हैं और अकेले अकेले भी ले सकते हैं। तो ये लोग पास ऑप्शन है कि किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प ले और इस प्लस को जाके यहाँ टकरा दे, लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा तुम एक बात बताओ कि जैसे मान लो ये बोतल है क्या, बस वैसे ही चाहता है वो लोग करके देखना, मतलब किसी तरह जाके, मतलब तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, वैसा वो लोग चाहता नहीं है कोई भी, हम एक एग्जांपल दे रहे ताकि तुमको समझ आए ये डिवाइस किस लिए बना है। तो इस डिवाइस के हेल्प से तुम ये अल्फा पार्टिकल को यहाँ घुसेड़ सकती हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि तुमको ज़बरदस्त पढ़ाई करना है, मतलब डिस्ट्रैक्शन एक भी नहीं चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पहुँच के लड़ाई करना पड़ेगा, नहीं, अपने आप को यहाँ पहले तैयार करोगी खतरनाक, कि हम जाएँ जब सीधे तो इन लोग कितना भी डिस्टर्ब करें हमको उस पर एकदम नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट जाकर टारगेट को हिट करना है, समझ आया। तो पहले यहाँ तैयार करोगी ना, मतलब यहाँ इसको बहुत तेज एक्सेलरेशन दोगी, और इतना तेज दोगी कि ये जाए, ये लोग अट्रैक्ट भी करे, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो कि जाकर डायरेक्ट इसी को टच कर दे, समझ आया। भले फिर वहाँ टकरा के वो तबाह हो जाए, अलग सी बात है, उस पर फिर हम लोग को नहीं जाना है कि यहाँ जाने के बाद क्या हुआ उसके साथ, हमको इससे मतलब है कि जाके ये न्यूक्लियस पे हिट करे, समझ आया। ये सोच है इसके पीछे का, ये साइक्लोट्रॉन बनाने के पीछे का, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, डिवाइस रहेगा, जो कि किसी पार्टिकल को इतना स्पीड देगा या इतना एनर्जी देगा कि वो डायरेक्ट जाके, मतलब उसमें इतना एक्सेलरेशन आएगा कि तुम जहाँ चाहो उसको वहाँ पर इम्बेड करवा लो, टक्कर मरवा दो, समझ आ रहा है क्या, मतलब जहाँ चाहो वहाँ थ्रो कर दो, ठीक है, बोलो क्या। नहीं, ये अंदर नहीं घुस जाएगा, ये तो अंदर नहीं घुसेगा, ये जाके यहाँ पर टकरा के इसको तबाह कर देगा, एटम को, पूरा एटम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 पॉजिटिव है, ये खुद भी पॉजिटिव, जाके टकरा के एटम तबाह हो जाएगा, तबाही करना है एटम का, समझ आया यहाँ तक। अब सुनो। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल को हम ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे करके, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सामने कोई आदमी उसका मुड़ी कान फोड़ना है हमको, तो ऐसे करके करेंगे तो उतना कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस बोतल को हम ऐसे करें, देखो कैसे करें बता रहे हैं, इस बोतल को खतरनाक पूरा धुन दे एकदम, ऐसे करें एकदम कस के, मान लो पत्थर बांध लिया और पत्थर ऐसे ऐसे करके और फेंक दे उस आदमी की तरफ, तब क्या होगा बताओ, खतरनाक हो जाएगा, पूरा मुड़ी कान फूट जाएगा एकदम उसका, पूरा चोट लगेगा, खतरनाक हो सकता है वहाँ पर निकल भी ले ऊपर, है ना, मारे तो नीचे लेकिन चल गया ऊपर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसे फेंकेंगे बोतल ऐसे, कि तुम किसी को पत्थर भी ऐसा हल्का सा, तुम देखो पत्थर फेंकने के लिए ऐसे करती हो पहले उसको, उसके बाद फेंकती हो, अगर ऐसे करोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही कह रहे हैं, अगर इसमें पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे किसी का मुड़ी, और उसके बाद इसको छोड़ेंगे, तब खतरनाक मुड़ी टूट, देखो अभी असर भी दिख रहा था, खतरनाक मुड़ी कान फूट जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल को ऐसे ऐसे घुमाए घुमाने के बाद ये छोड़ दे एकदम, ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, मतलब देखो ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं, इतना मेरे पास कोई पावरफुल डिवाइस ही नहीं है, और ये अल्फा बहुत छोटा है ना, क्या इसको पकड़ के ऐसे से तेज करके फेंक दोगी, मजाक है क्या, ऐसे छोटू सा पार्टिकल है ये,
तो हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे घुमाए 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 घुमा के ये छोड़ दे एकदम, और जाके यहाँ पर धड़ से टक्कर मार दे। बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा कैसे, और ये लोग बना करके दिखाया वैसा लॉरेंस, लेकिन समझ रही हो कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया, पूरे रूम को घेर लिया, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया ये लोग साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी छोटा पार्टिकल को ऐसे गोल 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 घुमाता है, उसका छोड़ देता है, और तुम जहाँ चाहो फिर उसको जाके वहाँ टक्कर मरवा लो। अब जरूरी नहीं कि एटम हो, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है तुमको, नहीं समझ में आ रहा है पक्का? तो ये सोच है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन होता कैसा है तो अभी हम बना के दिखाएंगे, ये समझ गए होगी आइडिया क्या है इसके पीछे, है ना? तो ये बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि हम लिखते हैं अभी समझ में आएगा। अच्छा, क्या चीज़ का हेल्प लें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि मैग्नेटिक फील्ड का, बताओ? ये सब लिखना नहीं था, बस समझाने के लिए था। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक और चीज़ आ रहा होगा, सर आप अल्फा पार्टिकल का ही क्यों बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी बताएंगे थोड़ी देर में, है ना? पॉजिटिव चार्ज का ही बस बात करना है, नेगेटिव का नहीं, ठीक है? ये सब भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है इसका। ऐसे थोड़ी है साइक्लोट्रॉन बनाया तो कोई भी पार्टिकल को पकड़ो ऐसे घुमा के फेंक दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, सिर्फ पॉजिटिव का, बहुत सारा लिमिटेशन भी है इसका, और ये दो लोग साइंटिस्ट मिलकर किया है ना? अभी समझना कि इसका पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, ये लोग को ऐसा नहीं कि कुछ मतलब कि अलग सा कोई एनर्जी कहीं से लेके आएगा और कुछ करेगा, क्योंकि देखो तुम एक बात पढ़ी होगी कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी छोटा सा चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वही मिलकर फोर्स लगाता है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स लगाता है चार्ज पे। चार्ज पे सिर्फ दो ही फील्ड फोर्स लगा सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और तुम पढ़ी पढ़ी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, बोलो, QE। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, QVB साइन थीटा। तो ये दो फोर्सेस होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो लोग को या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करो या तो मैग्नेटिक फील्ड को। और फोर्स लगाने का मतलब समझ रही हो, घुमा के और फेंक दे, लेकिन बड़ा अजीब सुनने वाला है, घुमा के फेंकेगा कैसे, ठीक है? तुम अच्छा पढ़ी हो पिछले बार कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी भी चार्ज को ऐसे घुमा सकता है, गोल गोल सर्कुलर में ऐसे घुमा सकता है कि नहीं, बताओ? तो मैग्नेटिक फोर्स से गोल गोल घूम सकता है, लेकिन आगे फेंक देगा क्या? नहीं भाई साहब, आगे कैसे फेंक देगा, समझ रही हो? अच्छा, एक और चीज़ है यार, कि पार्टिकल को तुम बहुत तेजी स्पीड से फेंकना चाहती हो, एकदम हौले से, एकदम धीरे से, बहुत तेजी स्पीड। पिछले क्लास में तुम पढ़ी थी कि जो चार्ज का वेलोसिटी होता है इसमें, ये क्या होता है, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। और तुम ये भी पढ़ी थी कि जो मतलब ये चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इतना औकात नहीं है कि वो चार्ज का स्पीड को बदल सके, भले वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। वेलोसिटी याद करो, डायरेक्शन ऐसे से बदल रहा था, ये सर्कुलर पाथ में घुमा रहा था ना, तो डायरेक्शन ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, याद आ रहा है? लेकिन इसका V का वैल्यू बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा सकता है। तुम लोगों को बहुत बार बताया गया ना V कांस्टेंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो औकात नहीं है स्पीड बढ़ाने का, भले ही वो चार्ज को ऐसे ऐसे घुमा देगा, लेकिन स्पीड को बढ़ाने का मैग्नेटिक फील्ड का औकात नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम लोग चार्ज का स्पीड बढ़ा सकते हैं। कैसे कैसे? तुम लोग एक टॉपिक पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें पढ़ी थी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम बस इतना समझ, पहले इतना बस एक्सेप्ट कर लो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का औकात है स्पीड को बढ़ाने का, बस उसका एक ही काम है क्या, कि वो गोल गोल घुमा सकता है सर्कुलर पाथ, जो कि पिछले क्लास में पढ़े हम लोग, ठीक है? तो सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता है, लेकिन गोल गोल घुमाना है नहीं, खाली घुमाना है क्या, खाली जैसे ये बोतल को हम ऐसे घुमाना है क्या, ऐसे ऐसे घुमाना है खाली, नहीं, इसको घुमाते घुमाते तेज करना है। देखो अब ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे ऐसे, तब तो सामने वाला हाके हम ही को मार देगा। हमको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है, घुमाना 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 तेज करना है इसको, घुमाते घुमाते उसके बाद छोड़ देना है, तब जाके सामने वाला का मुड़ी कान फूट जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल को खाली घुमाना नहीं है, घुमाते घुमाते मेरा वहाँ पर अदा क्या है कि हमको घुमाते घुमाते उसको एकदम एक्सेलरेट कर देना तेजी से, समझ आया? तो ऐसा कुछ कर रहा है हमको, मतलब उसको घुमाते घुमाते उसको तेज करना है। बोलो क्या बोल रही हो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले सकती हो? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट से बनेगा, मैग्नेट का ही हेल्प ले सकते हैं, वालेकुम सलाम। और मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट बनता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल का बात मत करो। वेरिएबल कैसे मैग्नेटिक फील्ड लोगे, सवाल ही नहीं बनता है, उसके बारे में मत बात करो यहाँ पर, ठीक है? वो तो आउट ऑफ द फिर कोर्स हो गया, आउट ऑफ कोर्स, फिर आउट ऑफ चैप्टर हो गया, फिर वो फिर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म नहीं हुआ वो, समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल का बात मत करो। चलो अभी इसका एक हम डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले, है ना, फिर बोलना तुम डेफिनेशन इसका लिख रहे हो, लिखो डेफिनेशन। अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल। अब देखो डेफिनेशन से फील आ रहा है कि नहीं इसका, एकदम एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक, रुको रुको खत्म नहीं हुआ है, चार्ज पार्टिकल लाइक ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन का स्पेलिंग गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन भी पॉजिटिव होता है, ठीक है?
न्यूट्रॉन जानने की जरूरत नहीं है, जो तुमको पता था उसका एग्जाम्पल ही एम अल्फा पार्टिकल का एक्सेट्रा, जितना भी प्लस चार्ज है उसको तो नेगेटिव क्यों नहीं बताया जाएगा सारा, ये सब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा एक्सेल, देखो क्या लिखा है, अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, बस एक्सेलरेट करना काम है, एक्सेलरेट करना काम है नहीं, एंड प्रोवाइड देम हाई एनर्जी, हाई एनर्जी या फिर ऐसा बोलो स्पीड, अभी स्टार्ट हुआ, हाई एनर्जी या स्पीड। देखो एक इंस्ट्रूमेंट जो कि पार्टिकल को हाई स्पीड या हाई एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाएंगे साइक्लोट्रॉन। और ये बहुत बड़ा सेटअप होगा इसका, बहुत बड़ा इसका सेटअप, एवरीथिंग मतलब क्या पता नहीं सोच रही होगी, बहुत बड़ा सेटअप होगा इसका, ठीक है, एवरीथिंग साइक्लोट्रॉन एवरीथिंग, कोई कोई लिख भी लिया होगा साइक्लोट्रॉन एवरीथिंग लिखी हो क्या साइक्लोट्रॉन एवरीथिंग। चलो ये इसका डेफिनेशन हुआ, अब डेफिनेशन से मैं कुछ नहीं रखा है, अब तुमको हम डायग्राम बनाएंगे इसका, डायग्राम बना के समझाएंगे कि कैसा है इंस्ट्रूमेंट, दिखता कैसा है, कैसे वो घुमा रहा है, क्या सोच है घुमाने के पीछे का, और घुमा के फेंक देना है। और तुमको एक बात क्लियर होगा कि हम लोग खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो खाली घुमाते रहेगा तो फायदा कहाँ होगा भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ काम करेगा यहाँ पर, बहुत काम, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, डिवाइस है ये, तो सब क्लियर हो गया ना, डिवाइस है ये, है ना। चलो ये लिख लियो तुम लोग, अब हम इसको मिटा करके और इसका डायग्राम बनाते हैं, जल्दी से लिखो इसको, फिर डायग्राम बनाते हैं इसका बढ़िया। चलो देखो अभी साइक्लोट्रॉन का हम लोग खूबसूरत डायग्राम देखेंगे, ठीक है, आइए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम ही मेन है। और जितना देखो साइक्लोट्रॉन अभी हम तुमको पढ़ा देंगे खड़े खड़े 10 मिनट में, ये सारा जो डायग्राम अगर तुम समझ गए जो अभी बता रहे हैं वो तुम समझ गए तो साइक्लोट्रॉन कंप्लीट। फिर उसके बाद बस उसके अंदर डेप्थ में जाना है कि मतलब कि क्या उसमें खराबी होता है, क्या दिक्कत आता है कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को गोल घुमा के नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है, गोल गोल घुमा के फेंकना क्या, हाँ ये बोल रही है कि सर नेगेटिव चार्ज का तो मास कम है तो उसी को फेंकना चाहिए गोल गोल घुमा के, पॉजिटिव को कहे इतना मेहनत कर रहे हैं, वो सब पता चलेगा, उसका नुकसान है, हल्का होना नुकसान है, अभी पढ़े जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलो सब छोड़ो, डायग्राम देखो, अभी डायग्राम में हम लोग बात करेंगे पहला जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू समझती हो, फ्रंट व्यू मतलब गाड़ी सामने से आ रहा है तुमको बजड़ने, मुड़ी कान फोड़ने, फ्रंट व्यू सामने से आ रहा है रमेश, ठीक है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में देखो हम यहाँ पर एक मैग्नेट बना रहे हैं। अच्छा मैग्नेट देखो यार पगलाना फिर मत, यहाँ देखो हॉर्सशू मैग्नेट देखी हो जीवन में, अरे कुछ ज़्यादा ही मुड़ दिए, हॉर्सशू मैग्नेट होता है ऐसा, अभी तो सर ऐसे इतना कुछ कैसे मुड़ गया, उतना नहीं मुड़ा रहता है, इतना तो मुड़ सकती हो ना कम से कम, और यहाँ पर इसका दो ऐसे पोल रहेगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे हो सकता है ना हॉर्सशू मैग्नेट, और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बनाओगी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वही मैग्नेट यहाँ हम बनाने वाले हैं, किताब में भी वही बनाया रहेगा। अब बोलोगे सर किताब में तो आज तक हम नहीं देखे, देखो किताब वाला कैसे ना इंडिकेट करता है इसको, ऐसे काट के दिखा देता है, ऐसे कटा हुआ दिखाता है, वो ये समझाता है कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये कोई अलग मैग्नेट है, इसका पार्ट को यहाँ बनाया है, समझ आया, और यहाँ पीछे से ऐसे क्या होगा पोल होगा, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ पोल हुआ और यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कौन सा पोल बताओ, साउथ पोल, यहाँ पर मैग्नेट का होगा साउथ पोल, ठीक है, दिस विल बी द साउथ पोल, है ना। अब हम इधर वाला नहीं बना रहे हैं समझ गए होंगे, ऐसे ज्वाइंट होकर बनेगा, है ना, यहाँ पर ऐसे साउथ पोल, क्या दूसरा मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज़ करोगी, बार मैग्नेट में बहुत दिक्कत है, बार मैग्नेट तो ऐसे सीधा होता है ना, तो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पर फिर एक और बार मैग्नेट मान लो ले आई, बार मैग्नेट का यहाँ, यहाँ मान लो रखी नॉर्थ और यहाँ रखी साउथ, तो इसका तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मुड़ के निकल जाएगा और इसका नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल के मुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ठेंगा, समझ आया, बीच से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं समझ में आया, हमको यहाँ साइक्लोट्रॉन घुसेड़ना है, ये जो डिवाइस पढ़ने वाले हैं, तो बीच में साइक्लोट्रॉन क्यों घुसेड़ना है, ताकि ये नॉर्थ और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड निकले और वो साइक्लोट्रॉन से पास करे, क्योंकि हम तुमको अभी बताएं कि ये जो डिवाइस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और तुम अगर ऐसे दो बार मैग्नेट यूज़ किए तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए हमको, दोनों चाहिए हमको, साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए, और क्यों चाहिए देखो उसको छोटा सा तुमको बताते हैं, एकदम याद रहेगा उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम करेगा घुमाने का, घुमाने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बोल सकती हो कि थप्पड़ मारने का काम करेगा, थप्पड़ मारने का, या तुम ये बोल सकती हो कि यार मतलब टॉर्चर, टॉर्चर करने का,
और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, जो आदमी जो भी आदमी है उसको तड़पा तड़पा के मारेगा। तड़पा तड़पा के मारने का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? तड़पा तड़पा के मारने का मतलब होता है कि तुम आदमी को लेके आई है ना, मान लो किसी आदमी को तुमको मारना है, मारना है मतलब समझ ही गए बोल नहीं सकते यहाँ पर, मारना है मतलब है ना, तो तुम क्या करोगी, बोलेगी तुम जैसे मूवी में दिखाता है ना तुमको, तो हम एक बार में नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो उसके लिए क्या करोगी, एक बार टॉर्चर करोगी, उसके बाद फिर छोड़ दोगी उसको, फिर इलाज करवा दोगी उसका, फिर लेके आओगी, फिर टॉर्चर करोगी, फिर इलाज करवाओगी, फिर लेके आओगी, फिर टॉर्चर करोगी, वैसे करवाओगी, समझ में आ रहा है? उससे उसको और इरिटेटिंग होगा और उसको गुस्सा आएगा कि भाई मार ही देता इससे अच्छा। तो वैसे ही तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो घुमाएगा, घुमाएगा मतलब ऐसे घुमाएगा चार्ज को, और घुमाएगा और फिर उसको मारेगा कौन, टॉर्चर कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घुमा घुमा कैसे थप्पड़, जब चार्ज ऐसे आ रहा है तो उसको एक तमाचा मार रहा है। अभी मालूम चलेगा किसके अंदर हो रहा है ये सब, साइक्लोट्रॉन के अंदर। अच्छा साइक्लोट्रॉन है कहाँ, अभी कहीं साइक्लोट्रॉन नहीं है, अभी कहीं साइक्लोट्रॉन नहीं आया है, अभी बनाने वाले हैं हम, देखो कुछ इस टाइप का होता है साइक्लोट्रॉन, जैसे ये वाला है ना, कहाँ गया, हाँ देखो जैसे ये तुमको दिख रहा है ना, ये रोटी रखने वाला, इसी टाइप का ऐसा रहता है, और यहाँ पर ये देख रही है, उसको दो पार्ट में से काट दो, तो इसको ऐसा काट दोगी तो एक हिस्सा ऐसा मिलेगा, मान लो इसको ऐसे बीच से काट दो तो एक हिस्सा ऐसा मिलेगा और एक हिस्सा ऐसा मिलेगा, और इसके अंदर चार जैसे से घूमेगा, हाँ सेमी सर्कल, देखो सिलेंडर होता है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर को मान लो कि ये जैसे गोल सा है, इसको काट दोगी तो आधा एक हिस्सा ये मिलेगा और आधा ये हिस्सा मिलेगा, और इसी में चार जैसे घूमेगा। और सुनो काट क्यों रहे हैं बता रहे हैं, काटने के बाद यहाँ एक गैप मिलेगा, काट देंगे और काट के ये दोनों हिस्सा को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद बीच में गैप मिलेगा, उस गैप में हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस गैप के बीच में क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो दो हिस्सा है ना उस दो हिस्सा में और ये जो बीच वाला है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये मतलब ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ये दो हिस्सा में रहेगा, और बाकी बीच में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बैटरी से बनता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस, हाँ तो इसी यही चीज़ है एक्जैक्टली। और उसको देखो हम ऐसे बना रहे हैं अभी, अभी ऐसे नहीं दिखा रहे तुमको, ऐसे भी बनाएंगे अभी, ऐसे देखने में ज़्यादा इजी लगेगा ना, लेकिन अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं तुमको। बोलोगे सर ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइक्लोट्रॉन है और साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड घुसेड़ना है और परपेंडिकुलर घुसेड़ना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, मैक्सिमम पढ़ाया है ना साइन 90 में, भाई साहब भिखारी जैसा मुंह बना रही है। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 रखेंगे तो 1 होगा ना, तो इसलिए इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट एंटर करे इसमें, ठीक है। और ये कुछ रखना मत उसमें, चल देखो यहाँ नॉर्थ साउथ क्या बनेगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलोगे सर बीच में नहीं बना रहा, बीच में है, बस हम इंडिकेट किए हैं कि ऐसे जा रहा है, बीच में भी है मैग्नेटिक फील्ड। और देखो इस टाइप का होता है तुम्हारा साइक्लोट्रॉन, बड़ा मुश्किल है इसको बनाना, ऐसे दो पतला पतला डीज रहेगा। अब ये मत सोचना कि ये सामने का हो गया, ऐसा लग रहा है कि सामने से देख रहे, ये ऐसे है थोड़ा प्लेन में, ठीक है समझ लेना। चलो अभी समझ गए, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आया होगा, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, वही जो दो काटे हैं है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं डीज, ये जो दो काटे हैं ना सर्कल के जैसा। अच्छा देखो एक पास समझ लो कि ये दोनों डीज सिलिंड्रिकल होता है, मतलब कुछ ऐसा, देखो सिलेंडर ऐसे गोल सा होता है, उसको ऐसे काट दो तो काटने के बाद ऐसे निकलेगा डी डी, तो वही दो डी अलग अलग लिखे हैं, ठीक है बनाए हैं। और ये सारा एक चेंबर के अंदर, वैक्यूम चेंबर, वैक्यूम चेंबर मतलब इसको पूरा ऐसे ढक दिया, ये जो एरिया है ना इसको पूरा क्या किए हैं, वैक्यूम है इसमें, वैक्यूम समझती हो, वैक्यूम समझती हो, वैक्यूम मतलब उसके अंदर और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक इंसान को मारना है ना, तो और इंसान लेकर आओगे तो डिस्टर्बेंस फैलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है, तो और कोई इसके अंदर ना आए, उसमें वो भी तो फिर एनर्जी लेने लगेगा, तो किसी एक को ही रखना है, इसलिए इसको क्या कर दो, वैक्यूम के अंदर रख दो, समझ में। अब सुनो इसको हम बोलते हैं डीज, नाम दिए हैं इसको, इसको डीज नंबर D1 बोल देते हैं, डीज मतलब टुकड़ा, इसको ऐसे ही नाम पड़ा इसका डीज। और ये कैसा रहता है, जैसे तुम पूछोगे ना सर ये क्या चीज का रहता है, ये जो आप दो टुकड़ा लिए हैं, ये मेटालिक होता है, क्या होता है, क्योंकि इसी के बीच में यहां क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, तो मेटालिक होना चाहिए ना, क्योंकि मेटल में ही तुम्हारा चार्ज भी फ्लो कर पाएगा। अच्छा देखो एक और बात समझो बाबू, एक चीज समझना, ये मत सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, देखो इसका ये जो चौड़ाई है ना, देखो समझो, देखो हम तुमको ऐसा ये वाला क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां फ्लो करेगा क्या, बकलोल यहां ऊपर में फ्लो करेगा, नहीं इसके अंदर में करेगा ना, समझ आया, तो इसके अंदर में करेगा, तो ये अंदर वाले पार्ट का है डायग्राम, अंदर में, इसके अंदर ये मोटाई होता है उसका, किसका, ये साइक्लोट्रॉन का मोटाई होता है, ठीक है। अब सुनो अब हम क्या करेंगे, किसको जोड़ दिए, ये जोड़े कहाँ हैं, ये तो मोटाई समझाए हैं, किसको, हाँ ये वाला भाई साहब सेटअप रहेगा ना वहाँ पर, उसके अंदर ही रखा रहेगा ना, ये दोनों डीज जो है सेटअप के ही अंदर रखा रहेगा ना, खुला थोड़ी छूटा रहेगा, समझ आया, कुछ होगा वहाँ पर मेटालिक, कोई सब्सटेंस होगा जिसके अंदर इसको ऐसे फिट किए होंगे,
ठीक है, अब सुनो आगे, यहां पर हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्या, क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? बन रहा है भाई साहब, देख देख ये देख बन रहा है। ऐसा कैसा बन रहा है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे बैटरी ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे और ये इस टाइप का कुछ बैटरी लेंगे। बोलो ये कैसा बैटरी होता है, देखो इस टाइप का, ये कैसा सर पहली बार देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एसी सोर्स। तुम लोग डीसी सोर्स पढ़ी हो ना, तुम लोग ये बैटरी देखी हो आज तक, आज ये बैटरी बना रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसा बैटरी बनाए हैं। देखो अच्छा ये बताओ, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ये थोड़ा देर में ये वाला माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा हो सकता है, ये प्लस है यहां माइनस है, ये वाला माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हम एक ऐसा बैटरी बनाए, हम एक ऐसा बैटरी यहां पर बनाए हैं जो कभी प्लस होगा माइनस, फिर थोड़ी देर में अपने आप क्या हो जाएगा प्लस, फिर थोड़ी देर में अपने आप क्या हो जाएगा। ऐसा बैटरी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, जो कि अल्टरनेटिंग अपने आप प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता रहता है, समझ में आया? प्लस माइनस और ये कितना बार होता है पता है, एक सेकंड में कम से कम 100,000 बार होता है, बहुत बार प्लस माइनस बहुत बहुत, तुरंत प्लस माइनस तुरंत चेंज होता है अपना पोलैरिटी चेंज करता। हाँ, देखो यहां पर लगाए हैं। अच्छा मान लो कि अभी यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है, बहुत छोटा बना दिया हम, चलो थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ना अभी, अभी उसको छोड़ दो, यहां पर प्लस है यहां पर क्या है माइनस, फिर कुछ देर में ये माइनस ये प्लस, ये माइनस में प्लस ये कौन ऐसा हो रहा है, ये बैटरी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अभी प्लस से माइनस ऐसे बन रहा है, थोड़ा देर में क्या होगा, जब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस तुरंत हो रहा है। अब उससे क्या हो रहा है बताएंगे अभी। देखो अभी यहां पर क्या है ना, यहां बीच में जो जगह छोड़े हैं यहां पर एक सोर्स होगा, सोर्स जिससे क्या निकलेगा, जिसमें क्या रखेंगे सोर्स में हम लोग, जो चार्ज को ऐसे ऐसे घुमाना है ऐसे करके, ठीक है। अब तुम देखना इसका डायग्राम ये वाला, ये तो हुआ तुम्हारा ऊपर सामने, क्या बोल रही हो, डीसी मतलब वो वाला बैटरी यूज करती है ना जो बनाए थे अभी, वो बैटरी में एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा प्लस और माइनस में फिक्स हो जाएगा ना, नहीं समझी, बता रहे हैं भाई, बता रहे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना मकसद थोड़ी है, चार्ज को थप्पड़ मारना है ना। देखो बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज पे क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अभी देखो ये वाला को हम यहां बना रहे हैं, देखना यहां पर ये वाला जो डायग्राम है इसको यहां बना रहे हैं, और अब कैसा बना रहे हैं इसको, ये फ्रंट व्यू था ना, अब हम इसको बना रहे हैं टॉप व्यू, टॉप व्यू समझती हो, टॉप व्यू मतलब ऐसे ऊपर से देख रही हो, इसको ऐसे देख रही हो और तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ ये, अब सिर्फ इसका ये। तो अब देखो यहां पर बना रहे साफ साफ, ये तो तुम समझने के लिए था, ये मेन डायग्राम ये वाला, देखो ऐसे करके गोल सा है कुछ, हालांकि गोल सा नहीं रहता समझने के लिए, और यहाँ पर ऐसे करके ये है डीज, ये दो तुम्हारा क्या है डीज है ना, और इसके बीच में यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, देखो तो ठीक से, बोले कि सर ये क्या कर रहे हैं, देखो ठीक है एकदम बिल्कुल सही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो इन्वर्ट जा रहा है कि नहीं है, तो इसलिए इन्वर्ट बनाए, कोई डाउट बोलो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐसे करके क्या लगाए हैं, एक बैटरी, और इस बैटरी को एक खास नाम दिए हैं ऑसिलेटर। अच्छा देख ये ऐसे सिंबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कभी देखो ये ऐसे बना रहे हैं ना बैटरी का सिंबल ऐसे, क्योंकि उसका मतलब है कभी बैटरी प्लस कभी माइनस, प्लस माइनस फ्लक्चुएट करते रहेगा, इसलिए ऐसे एरो देते हैं इसमें सिंबल, समझ आया ऐसे सिंबल क्यों देते हैं, पढ़ना है ये चैप्टर है एसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है पूरा 12th में पढ़ना है। खैर तो इसको हम लोग नाम दिए ऑसिलेटर, अब ऑसिलेटर क्यों नाम दिए समझिएगा, होगी ऑसिलेटर क्यों नाम दिया पता चल गया होगा ना, क्योंकि उसका बैटरी का जो पोलैरिटी है प्लस माइनस बार बार हो रहा है। अब सुनना अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, और यहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्यों बनाया गया वो भी बताएंगे। अच्छा सुनो यहां पर क्या है ना, कि यहां पर क्या है कि एक हम लोग ऐसे करके यहां से एक ये बनाते हैं, छेद बना देते हैं कैसे करके। अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि तुमको पता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे घुमा के, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल जो भी पॉजिटिव चार्ज, उसको घुमा के फिर छोड़ देना है ना, घुमा के छोड़ देना है, तो निकलने का रास्ता होना चाहिए ना भाई, कैसे घुमाते ही रहोगे खाली उसी के अंदर, निकलने का रास्ता होना चाहिए कि नहीं, तो एक निकलने का रास्ता बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और हाँ ये डीज है उसी से कनेक्टेड रहेगा, मतलब ये मत सोचो डीज में यहाँ छेद होगा, डीज से कनेक्शन रहेगा वहाँ पर कि निकलने का रास्ता हो जाएगा, हाँ बीच में रहेगा। अभी देखो पूरा भाई, देखो यहाँ पर ये सोर्स है, सोर्स समझती हो, सोर्स जिसमें वो प्लस रखा हुआ है, देखो वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा होगा पता है कि नहीं, ये पूरा रूम को कवर कर लेगा, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये छोटा सा इतना बड़ा सोच रही हो, इतना बड़ा रूम पूरा कवर कर लेगा, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर सोर्स है, रखा है ऐसे सोर्स बीच में, ठीक है। तो अभी देखो सोर्स को ऐसे रखा है यहाँ पर, और वो सोर्स कौन है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव पार्टिकल। अब पॉजिटिव ही क्यों होता है वो बताया जाएगा थोड़ी देर में,
पॉजिटिव पार्टिकल ही क्यों होता बताया जाएगा थोड़ी देर में, कोई पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। अभी देखो क्या किए हम लोग, यहाँ से उसको ऐसे निकालें। अच्छा अभी मान लो कि यहाँ पर बैटरी का प्लस है और यहाँ माइनस है, थोड़ा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं इधर बना देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस। अभी ये यहाँ से निकला, अब बोलोगे इधर कैसे जा रहा है और कौन सा कैसा पार्टिकल है, तुमको मालूम है, तुमको मालूम है, यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एकदम साथ साथ डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर जैसे अभी हम जो चार्ज लिए वो कैसा है, पॉजिटिव। एस का मतलब है सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला है, तो यहाँ से निकला एक ही है यहाँ पर मेरे पास, एक ही, एक बार में एक ही चार्ज एक्सेल, यानी कि करोड़ों चार्ज को एक साथ। अरे एक बार में एक ही आदमी को टॉर्चर करोगी ना कि ढेर सारा आदमी को टॉर्चर, क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या? देखो अब यहाँ से देखो ये ऐसे गया, सोर्स मतलब देखो ऐसा तो नहीं ना है, देखो सोर्स क्यों बोल रहे हैं उसका भी कारण है। देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ से अल्फा निकल रहा है और अल्फा में पास एक, देखो अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है ना, किसी एलिमेंट से निकलता है अल्फा पार्टिकल, समझो। ये पॉजिटिव चार्ज क्या तुमको कहीं ऐसे पकड़ के ऐसे रख दोगे क्या वहाँ पर? नहीं, कबूतर थोड़ी है पकड़ के यहाँ रख दिए। यहाँ पर इसका एक सोर्स समझती हूँ, सोर्स मतलब यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा जिससे एक पार्टिकल निकल रहा होगा, यहाँ भी एलिमेंट होगा एक जिससे एक पार्टिकल निकल रहा होगा, और वो पार्टिकल निकल रहा है तो एलिमेंट के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा ना, वैसा तो हम एक निकाल रहे हैं, समझी सोर्स क्यों बोले उसको? नहीं हम लोग नहीं, एक बार में बहुत सारा नहीं निकालेंगे, एक बार में एक को ही एक्सेलरेट करके तब फेंकेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके एक एक करके। लेकिन एक बार में यहाँ पर कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। फिर दूसरा तुम लाओ तो दूसरा निकालो, फिर एक एक करके। अब देखो आगे समझना, देखो यहाँ से अब समझो, पहले इसका मैकेनिज्म समझो कैसे काम करता है ये, क्यों यहाँ पर दोनों फील्ड का जरूरत पड़ा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे निकला, ठीक है, ऐसे गया। अब तुम ये बताओ कि ये ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे जाएगा ये? नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना होगा अभी इस केस में? पलटे क्यों, समझ आया? क्योंकि तुमको पता है कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगता है। तो अभी ये देखो, ये सोर्स है, यहाँ से पार्टिकल निकला, ऐसे गया, कहाँ गया बताओ? तो ये डीज, ये मान लो कि ये डीज नंबर डी वन और ये डीज नंबर डी टू, अभी पार्टिकल कहाँ घुस गया? डी टू। अब ये डी टू में कैसे गया वो क्लियर है कि नहीं? कैसे गया? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे थप्पड़ मारा, ये ऐसे ऐसे, तो वो बहुत कस के थप्पड़ मारा उसको, तो थप्पड़ मारा तो कहाँ घुस गया वो? D2 थप्पड़ मारा मतलब उस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो इसमें घुस गया वो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा बताओ? यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर देखो ये क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घुमाता है। कब घुमाता है? जब यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखे थे ना, जब मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखे थे बताओ? QVB sin 90। जब 90 डिग्री बने और मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा इसके इसमें? QV आएगा। तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो और चार्ज पार्टिकल कहाँ है? ऐसे है, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा और सर्कल वैसे बनाएगा, ऐसे सर्कल, सेमी सर्कल बनाएगा छोटा सा, मतलब कुछ इस टाइप का सर्कल, मतलब एक सर्कल ऐसे बनाएगा इस टाइप का, सर्कुलर, ये सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक से देखो एक मिनट, ये देखो एक सेमी सर्कल बनाया ऐसे, बनेगा पूरे, पहले आगे तो देख लो क्या हुआ कहानी, यहाँ तक पहुँचा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सब जगह में है यहाँ पर, तो जब यहाँ ये पहुँचेगा तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? प्लस। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, मतलब यहाँ पहुँचते तक ये प्लस अपने आप क्या हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, फिर ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसको फिर क्या घुमाएगा? ऐसे सर्कुलर। फिर एक बात बताओ, जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ यहाँ, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? मतलब देखो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये अभी कहाँ घुस चुका है बाबू? D1 में एंटर कर चुका है, ठीक है। अभी जब ये D1 में है, अभी यहाँ ऐसा निकला था ये S से, गया D2 में, फिर D2 से निकला, और फिर जैसे ही D1 में जाने वाला था वैसे ही यहाँ पर माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको थप्पड़ मार गया, जा उधर, तब उधर भेजा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? बस घुमाना उसको गोल गोल, वही चीज देखो बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का काम है घुमाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? टॉर्चर करना। टॉर्चर करना मतलब यहां पर जब वो पहुंचे तो उसको एकदम तेजी से एक झपड़ मारना, एकदम खींच के, एकदम चमक, फिर अंदर घुसेगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर एक झपड़ कस के एकदम, फिर ऐसे घुसेगा यहां, फिर जब जब वो मैग्नेटिक फील्ड तो घुमाते रहेगा, उसको घुमाते रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड झपड़ मारते 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 उसको बहुत तेज कर देगा, और फाइनली यहां पर जब ऐसे पूरा बड़ा सा पाथ बन जाएगा तो यहां से लास्ट झपड़ पड़ेगा और फिर निकल जाएगा यहां से, समझ आया? यही वर्किंग है इसका। आगे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है,
तो इसको मतलब कि दर्दनाक मौत देना चाहता है, इसलिए घुमा घुमा के मारा। अब देखो आगे, देखो आगे, देखो अभी आगे खत्म नहीं हुआ, अभी देखो ऐसे जा रहा है ये। जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ तक, अभी यहाँ पर जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से निकला होगा, तो यहाँ से निकलते ही वक्त यहाँ पर क्या डेवलप हो गया होगा बोलो, माइनस, और यहाँ क्या डेवलप हुआ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया होगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स लगाया होगा बोला होगा ऐसे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर हर वक्त फोर्स लगा रहा है या कभी कभी? हर वक्त लगा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे एरिया में है, और इलेक्ट्रिक जब यहां पर जब वो पहुंच रहा है तो यहां पर दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक भी और, लेकिन मैग्नेटिक ये जब डीज के अंदर है तो क्या डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है, डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सर कैसे? क्योंकि भाई साहब डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है बता पाओगी? हम उल्टा बोल दे रहे थे, डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता पाओगी? अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पर, बैटरी का पोलैरिटीज यहाँ पर है, वो तो ठीक है कि बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डीज जो है उसके अंदर नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं हो सकता है डीज के अंदर? मतलब जैसे ये वाला जो है ना, इसके अंदर चार्ज जब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये एक डीज का पार्ट, ये एक डीज का पार्ट, तो यहाँ यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली यहाँ पर है बीच में, इधर इधर तो नहीं है। क्यों नहीं है डीज के अंदर? और अंदर समझ रही हो, डीज के अंदर, डीज के अंदर मतलब पार्टिकल, देखो ये डी, ये मोटाई है ना ऐसे डीज का, जिसमें वैसे ऐसे घूम रहा है, क्या ये जो बनाए हैं ये मोटा होगा ना ऐसे करके, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताओ जरा जल्दी, क्योंकि डीज मेटालिक है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। पढ़ाया गया ना, इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यानी कि ये जो डीज है, क्योंकि ये मेटालिक है इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कहीं पर, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ये तो जरूरत करें, यहाँ लिख देते हैं। अभी रुको रुको, अभी अभी लिखना नहीं है। डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो, ये लिखना है। अभी देखो आगे, देखो यहाँ पर कम बैक, कम बैक, कम बैक, यहाँ पहुँचा वो, ठीक है। अभी जैसे ये यहाँ जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाए। और ये कौन कर रहा है ये सब काम? ऑसिलेटर। अच्छा एक बात बताओ, ये और ये दोनों का साथ में ट्यूनिंग नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो कि जैसे वो जो आदमी है उसको टॉर्चर करने के लिए बुलाएं, दो तीन झापड़ खूब मारवाएं उस आदमी को, ठीक है, फिर वो जो आदमी जो मार रहा था वो चल गया थोड़ा देर के लिए, तो वहाँ पर कोई और दूसरा लोग होना चाहिए ना उसको लगातार थोड़ा वहाँ इंटरटेन करने के लिए, कहीं भाग ना जाए जिसको रखी हो तुम कैद करके। तो वही कह रहे हैं कि जो ये जो है, ये फिर आदमी जब आएगा फिर उसको टॉर्चर करेगा, फिर उसको टॉर्चर करेगा, तो ये टॉर्चर लगातार हो पाए। जैसे मान लो कि ये ऐसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स ही नहीं लगाया, ऐसा हो सकता है बताओ? उसको लगातार टॉर्चर देना पड़ेगा ना, तब ना वो लास्ट में एकदम खतरनाक निकलेगा। समझ आ रहा है मेरे बात हम क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि इसका टाइमिंग एक नहीं एकदम गजब वाला होना चाहिए, कि मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, यहाँ घुसा और जैसे ही बाहर निकला तुरंत इसको बदलना चाहिए ना। मान लो ये कभी नहीं बदला, बदला तब क्या होगा? तब तो भाई साहब गजब ही हो जाएगा। नहीं, जब जैसे मान लो कि ये प्लस माइनस है, अभी जैसे ये यहाँ पर है ना, तो तुम इसको क्या कर दिया? प्लस, और इसको क्या कर दिया? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घुसेगा इसमें, फिर यहाँ से घूम के ऐसे आएगा, फिर जब ये यहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, फिर ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के, फिर फाइनली कहाँ से निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। और सुनो सुनो, यहाँ से निकलेगा कैसे लास्ट में बता रहे हैं, देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक नेगेटिव नेगेटिव चेंबर लगा देंगे, कोई कोई ऐसा चेंबर लगा देंगे जिसमें क्या होगा? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। बोलोगे सर उससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर तुम किसको घुमा रही हो? तो यहाँ पर नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट होकर नहीं निकल जाएगा वो, नेगेटिव को खींचेगा तेजी से निकलेगा एकदम, और तेजी से निकल के यहाँ पर टारगेट है, मान लो टारगेट, समझती हो? ये इसको घुमा क्यों रहे थे प्लस चार्ज को? ताकि जाके टारगेट पर हिट करें, एक टारगेट होता है जिसमें वो लोग को हिट करना पड़ता है, तो ये ऐसे ऐसे घुमा घुमा हुआ टारगेट में जाकर धड़ से मार दे, तो टारगेट यहाँ जाके हिट कर देगा, और यहां माइनस रहने की वजह से ये तेजी से जाके टारगेट पर हिट करेगा। समझ आया? अच्छा यहीं से निकलेगा कैसे? क्योंकि ये देखो ऐसे घूमते 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 यहां पर जब देखो, अभी क्या ऐसे घूमते वक्त में यहां से निकल पाएगा? नहीं, ऐसे घूमेगा तब निकल पाएगा? नहीं, जब तक ये अपना मैक्सिमम यहां नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे नहीं निकलेगा। समझ आया? तो यानी कि इसका एक, इस पार्टिकल का एक मैक्सिमम क्या हो जाएगा? रेडियस, एक मैक्सिमम रेडियस होगा जो कि आखिरी होगा। देखो रेडियस का हर जगह बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, लेकिन ये वाला क्या है? मैक्सिमम रेडियस, जिस पे वो क्या कर रहा है? बाहर निकल जा रहा है। तो उस मैक्सिमम रेडियस पे उसका एक मैक्सिमम स्पीड होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका यहां घूमते वक्त जितना स्पीड है, क्या दूसरे राउंड में भी उतना ही स्पीड है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हर राउंड में थप्पड़ मार रहा है ना, तो चौथा पांचवा राउंड पहुंचते पहुंचते तो थप्पड़ खतरनाक पड़ चुका होगा, तो खतरनाक हो गया होगा। जैसे पढ़ाई के लिए तुमको हर क्लास में प्रेशराइज किया जाता है, जैसे अभी पढ़ रही हो, आगे जाओगे और पढ़ाई में तो और प्रेशराइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
समझ आ रहा है, फिर प्रेशर कुकर बन के फट जाओगी। खैर तो समझ आया यहाँ तक कि कोई दिक्कत है बताओ। तो ये ऐसे काम कर रहा है यार, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो खाली ऐसे घुमाते रहेगा प्यार से, उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। थप्पड़ मारने वाला जो काम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, मतलब उस पर खतरनाक तरीके से फोर्स लगाने वाला। और कब लगा रहा है? जब वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। और ये ऑसिलेटर बहुत जरूरी है, अगर ये चेंज नहीं होगा तब तो भाई साहब गड़बड़ आ जाएगा। तो यानी कि चार्ज का इन राउंड कंप्लीट करने का वक्त इसको तय होना चाहिए कि कितने देर में वो ऐसे घूम के आएगा। अच्छा तुम लोग एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक चार्ज को एक पाथ में घूमने में जो समय लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था? एक सेकंड में कितना बार रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जितना फ्रीक्वेंसी इसका होगा उतना ही इसका भी होना चाहिए, मतलब। हाँ बताएंगे उसके बारे में। तो पहले एक काम करो, इसको बना लो, ये समझ में आया कैसे काम करता है ये? अभी वो समझो, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे सारा बात कि यहाँ से ये निकला, फिर यहाँ गया, फिर कैसे वो सारा बात लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको बना लो दोनों डायग्राम्स, ये वाला और ये वाला दोनों। देखो इसका प्रिंसिपल में ही सारा बात ऐसे कवर हो जाएगा, फिर हम लोग डिटेल में लिखेंगे। जो तुम लोग अभी समझा रहे थे ना, तभी से हम ये डायग्राम फिर से बना दिए थोड़ा बढ़िया। तुम लोग समझा रहे थे जो तभी से हम, कि वहाँ से सोर्स ऐसे निकलता है, फिर वहाँ घुसता है, फिर घुसने के बाद वो पोलैरिटी चेंज होता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर चेंज होता है, फिर ऐसे घूमते 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 बाहर निकलता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात तभी से बता रहे हैं कि जो वो जो लगा हुआ है एसी सोर्स, ये वाला अगर यहाँ, इसका काम क्या है कि यहाँ पर क्या डेवलप करना, पोलैरिटी मतलब यहाँ पर प्लस और जैसे यहाँ माइनस, फिर थोड़ा देर में इसको क्या कर देना, यहाँ चेंज करके माइनस, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्लस। और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा ही नहीं, समझ रही हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना, मेन मुद्दा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। वही ना, मेन उसको ऐसे तमाचा मार रहा है और उसके बाद आगे बढ़ा रहा है उसको, मेन तो उसी का काम है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो खाली गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रिंसिपल में तीन चीज़ आएगा, प्रिंसिपल के अंदर तीन चीज़ आएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख रहे हैं प्रिंसिपल, पहला है तुम्हारा कि अ चार्ज्ड पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली पता है तुमको, कैन बी एक्सेलरेटेड, लिखते जाओ साथ में, कैन बी एक्सेलरेटेड बाई पासिंग इट नंबर ऑफ टाइम्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है ये, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना बार पास करेंगे उतना बार बार उस पर फोर्स लगेगा ना, और जितना बार फोर्स लगेगा उतना तेज़ी से वो यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से एग्जिट है उसका, है ना, सिनेमा देख के निकल गया यहाँ से एग्जिट, ठीक है, और एग्जिट करके टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा इसका पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का कोई काम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का भी। अच्छा एक और सबसे ज़रूरी बात, एक मिनट, ये तो बताया ही नहीं तभी से। देखो ए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे बन रहा है, प्लस से माइनस, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मान लो क्या बन ही रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि तुम यहाँ दूसरा पॉइंट में लिखोगी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेड परपेंडिकुलर, मतलब इसको हम लोग हमेशा के लिए परपेंडिकुलर कर दिए, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मैग्नेटिक फील्ड थ्रोज द पार्टिकल, ये सब किताब में लिखा है ऐसे, आपने ये मत सोचो मास्टर अपने से थ्रोज रूज लिख दे रहा है, किताब में लिखा है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड थ्रोज द पार्टिकल इन सर्कल, इसका मतलब समझिएगा ही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक ही काम है ऐसे गोल गोल पार्टिकल को सर्कल में घुमाना, क्लियर है कि नहीं, ठीक। अभी तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी जो तभी से बता रहे हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी समझती हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे मान लो, सुनो ए बाबू, सुनो मान लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छा देखो इसका जो होता है ना, ये वाला एसी सोर्स, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारी मैडम भी लिखवाई है नोट्स में, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब समझती हो, फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब प्लस माइनस तुरंत प्लस माइनस तुरंत होगा एकदम तुरंत। और ये जो चार्ज है ना, तुम ये मत सोचो कि चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है ये, इतना धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये भी तुरंत प्लस माइनस, मतलब साथ में दोनों को एकदम पेयर होना पड़ेगा,
मान लो कि ये ऐसे घुमा मान लो ऐसे घुमा ये, ठीक है, और ये भाई साहब का फ्रीक्वेंसी कम था। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब तुम बोलोगे सर ये ऑसिलेशन मतलब सर ऐसे ऐसे घूमना, नहीं, ऑसिलेशन मतलब दोनों टाइप का तुम समझ सकते हो। ऑसिलेशन का मतलब ऊपर नीचे या तो घूमना, सब ऑसिलेशन होता है उसका मतलब। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो अगर ये वाला एक सेकंड में 100 बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको भी एक सेकंड में 100 बार घूमना पड़ेगा। ये समझ आया? एक सेकंड में अगर ये 100 बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको भी एक सेकंड में 100 बार ऐसे 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 घूमना पड़ेगा। समझ आया? मान लो कि ऐसा हो कि ये जो इलेक्ट्रिक जो पार्टिकल है, मान लो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये एक बार क्या करता है, एक सेकंड में ये क्या कर लेता है, मान लो कि 102 बार घूम लेता है, 102 बार ऐसे कर लेता है। और ये जो एसी है ये कितना बार करेगा बताओ, ये एसी सोर्स है ये कितना बार करेगा एक सेकंड में? अभी बताए थे ना, एक सेकंड में 100 बार। अगर ऐसा हो जाए ये एक सेकंड में 100 बार करे, इसका तो फिक्स है ना कि 100 बार ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन फिक्स कर दिया है ना उसको कि तुम, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका फिक्स है इस बैटरी का कि इसको 100 बार ही प्लस माइनस होना है। लेकिन ये जो पॉजिटिव ये जो चार्ज है वो कितना बार हो गया एक सेकंड में? भाई साहब तो गजब हो जाएगा ना। क्या गजब होगा? देखो ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हो रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, फिर एक बार मैं ऐसे कर लिया और मान लो कि ये उस समय क्या रह गया, माइनस ही रह गया, चेंज नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बने रहेगा? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे बना हुआ है, सुनो सुनो पूरा सुनो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे निकल रहा था, क्या अभी उधर जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन नहीं यार, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है कभी भी, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है, जा पाएगा? क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस जाता है, तब तो ये अच्छा यहाँ पर प्लस है, तुम ये भी सोच सकते हो कि ये प्लस क्या हो जाएगा, रिपेल। अच्छा ये प्लस यहीं नहीं रहता है, पूरे में प्लस डेवलप होता है ना, ये बैटरी जो है ये पूरे में प्लस डेवलप करवाता है, तो ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा ना, तब तो भाई साहब ये आगे जा ही नहीं पाएगा, ये तो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं समझी, जा रहा था ऐसे वापस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो जैसे ये वाला, मान लो बोतल को हम ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोतल को ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, अब मान लो हवा चल गया तो हो सकता है ऐसे हो जाए, तब तो मेरा काम खराब हो जाएगा ना अगर हवा बहुत तेज चल गया तो। वही कह रहे हैं कि इसको और इसको साथ में ट्यून करना चाहिए, किसको, ये सोर्स को और ये इलेक्ट्रॉन का, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस सेम होना चाहिए, समझ आया, फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और वो फ्रीक्वेंसी जो इस पॉजिटिव चार्ज और इस बैटरी दोनों में सेम सेम आता है, मतलब इसमें 102 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, दोनों में सेम सेम आता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? और उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं एफसी होगा साइक्लोट्रॉन जो कि फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट होगा। पिछले क्लास में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखवाए थे, फॉर्मूला सबसे सेम रहेगा। चलो ये तुम लोग लिखो, तो तीसरा पॉइंट यहां पर हम लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल के अंदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स का, थोड़ी सोर्स के अंदर तो बहुत कुछ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलेगी ना सोर्स थोड़ी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा ही वाला है, तीसरा ही तो सबसे जरूरी है, बाकी सब तो टाइम पास है, ये सबसे जरूरी है तीसरा, बाकी सारा बात यहाँ लिखा है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं इसका इसमें क्या बोलते हैं उसको थ्योरी में, डिटेल में थ्योरी। अभी हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो वर्किंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ कहो, सोर्स का फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी अभी हम अभी समझाए थे कांस्टेंट होता है, अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी लिखेंगे, फॉर्मूला जुम्मन लिखेंगे, लेकिन पहले अभी देखो लिख देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे बोलो, उसका फॉर्मूला क्यूबी बाई टू पाई एम, यही होता है उसका फॉर्मूला, होता है क्यूबी बाई टू पाई एम। अब देखो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट कैसे, अभी तुमको बताएं कि ये फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट करना है, कॉन्स्टेंट करना आसान है, देखो कैसे करेंगे बता रहे हैं, ये मास जो है पार्टिकल घूम रहा है उसका है जो कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा ये जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है क्या, देखो एक चीज़ तुम देखना यार, ये डायग्राम हम बनाते हैं,
वही तो हम लोग सेट किए ना, वैसा सेटिंग किए हैं उसको, वैसा उसको सेट किए हैं कि उसका। अच्छा देखो एक बात बताओ, जो ये पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप वही डिसाइड कर रहा है ना कि चार्ज कितना देर जल्दी जल्दी घूमेगा। नहीं समझी, वो जो सेटअप बनाया है वही डिसाइड कर रहा है ना कि चार्ज कैसा घूमेगा, सेटअप ही डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए सेटअप का और उसका फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। और वैसा कंडीशन जब दोनों बराबर चलता है, चलता ही है ऐसे, तो उसको हम लोग नाम दिए हैं, जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वो तो बताए थे। और उस कंडीशन को नाम दिया है रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम लोग नाम दिए, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं, एक इस कंडीशन को ऐसे नाम दिए हम लोग रेजोनेंस, जब कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो पार्टिकल का है, घूमने वाला पार्टिकल, और वो जो सोर्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी, सोर्स मतलब नहीं, मतलब वो जो एसी सोर्स उसका और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, तो उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। लिखवाएंगे ये सब वर्किंग में। अभी देखो यहाँ पर तुम याद करो, डीज था ऐसे करके, ये डीज कौन सा था, मान लो ये D1 है और ये क्या है D2, ठीक है। और यहाँ से बैटरी उटरी लगा था, ठीक है, पता होगा सब तुमको। ओ सॉरी ऐसा नहीं था, ये ऐसे होगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पर सोर्स था, अभी मान लो सोर्स यहाँ से निकला, तो सोर्स यहाँ से निकला, और यहाँ पर अभी मान लो प्लस है, ये क्या है, माइनस, मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसे बन रहा है, एक मिनट उल्टा करना होगा इसको, इसको प्लस कर लेते हैं और ये वाले को कर लेते हैं माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे बन रहा होगा, प्लस से माइनस, उल्टा कर दिया क्या, अरे यार ठीक, पहले ही ठीक था, ये माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से निकलता है प्लस से निकलता है, माइनस में जाता है ना, तो प्लस से निकला और कहाँ गया, माइनस, रुको पहले देख लो, प्लस से निकला और कहाँ गया, माइनस में, मतलब नेगेटिव के टूवर्ड्स पॉजिटिव से आवे। तो वैसे ही ये जो पार्टिकल है वो ऐसे निकला और ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट लाइन होता है, फिर जैसे ही यहाँ एंटर करता है तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो ऐसे घूमता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घुमाता है मैग्नेटिक फोर्स, तो ऐसे घुमाएगा फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे ये, फिर यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ये निकलेगा तो ये चेंज हो जाएगा पोलैरिटी, ये पोलैरिटी अब क्या हो जाएगा, और ये पोलैरिटी क्या हो जाएगा फिर, प्लस, और फिर ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे करके घूमने के बाद फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे सो ऑन कंटिन्यू होगा। वही बात अभी हम लोग थ्योरम लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या पूछ रही थी तुम, बोलो क्या पूछ रही थी, भूल गई तो। हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी जो मूविंग पार्टिकल, अच्छा ये बताओ ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग कहाँ से निकाले थे, ये जो फॉर्मूला आया है कहाँ से आया बताओ, पिछले वाले में, और पिछले वाले केस में जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहे थे किसको घुमा रहे थे, चार्ज को, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज को घुमा रहे थे, और वही चार्ज का ये फ्रीक्वेंसी आ रहा था ना, तो ये फ्रीक्वेंसी चार्ज का ही है, लेकिन ये चार्ज का फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करके हम लोग जब निकाल रहे हैं तो वो सेम टू सेम किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है, कैसे कैसे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एरिया में जितना बन रहा है, सुनो सुनो, ये सोर्स के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही तो इस चार्ज के लिए भी तो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है दोनों के लिए, सेम है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज मास सब कांस्टेंट। अब देखो गड़बड़ कब होगा ना, जब ये मास बदलने लगेगा, ये मास जब चेंज होने लगेगा तब गड़बड़ होने लगेगा। ये मास का वैल्यू क्या होगा आगे चल के देखोगे कि मास कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है, उसमें गड़बड़ आ जाएगा, तब ये साइक्लोट्रॉन फेल होने लगेगा। फेल होना मतलब लिमिटेशन आ जाएगा इसका, लिमिटेशन पड़ना है अभी साइक्लोट्रॉन का। क्या होगा कि ये मास कम होने लगेगा, मास कम होने, कम नहीं होता है मास, मास कम, हाँ कम होता है, बताएंगे कैसे कम होता है, मास का वैल्यू बहुत छोटा मिलता है, तो छोटा ये अगर मिलेगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो मैच कहाँ करेगा उससे, नहीं समझी। ये फ्रीक्वेंसी का एक फिक्स वैल्यू है ना, मान लो इसका एक फिक्स वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, मान लो कि ऐसे सपोज कर लेते हैं 1 लाख, मान लो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है 1 लाख हर्ट्ज, मान लो सपोज इतना फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए, 1 लाख आना चाहिए। अब तुम ये मास को कम कर दे रही हो तो ये वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब कम ये होगा तो बढ़ेगा ना, इन्वर्सली है, तो ये कम हुआ ये बढ़ गया, तो ये मान लो 1.5 लाख हो गया, तो मैच करेगा फिर, नहीं करेगा, ये तो 1 लाख, ये भी बढ़ जाएगा क्या, पागल हुआ, ये तो हम लोग सेट किए हैं, समझ आया। तो चार्ज का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, इसका कभी चेंज नहीं होता, ये तो फिक्स होता है, ये तो हम लोग फिक्स करते हैं चार्ज का चेंज, उसी में उसका डिमेरिट आ जाता है कि उस समय ये तुम्हारा साइक्लोट्रॉन बर्बाद हो जाता है। अब क्या कैसे बर्बाद हो जाता है भाई, क्योंकि होता क्या है कि यहां पर प्लस माइनस तुरंत नहीं, वही समझाए थे थोड़ी देर पहले। चलो देखो पहला पॉइंट देखना यहां पर, व्हेन सोर्स, हाँ बताएंगे वो आने तो दो पहले, कि अभी सारा बताते चले। व्हेन सोर्स इज एमिटेड देन इट एंटर्स D2, है ना,
कहाँ एंटर करता है, डी टू, और एंड बिफोर एंटरिंग, एंड बिफोर एंटरिंग डी टू, डी टू एंटर करने से पहले, डी टू एंटर करने से पहले एंड बिफोर एंटरिंग डी टू, डी टू एंटर करने से पहले क्या सिनेरियो था देखो, तो अभी मान लो कि ये डी टू में एंटर नहीं किया है, अभी मान लो कि ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो ये वाला क्या रहेगा माइनस, और ये क्या रहेगा प्लस, तब ना ऐसे फील्ड बनेगा। तो अभी तुम यहाँ पर ये लिख सकती हो कि ये माइनस किस में है, डी टू में, डी टू में अभी क्या है नेगेटिव, और डी वन में क्या है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये एंटर कर चुका है ना, मतलब कि अभी ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन इट कम्स आउट, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम डी टू, मान लो ये डी टू में एंटर किया, डी टू में ऐसे एंटर किया, देखो यहाँ पर एंटर करने के बाद जब बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो ये डी टू में उसको माइनस ही मिलेगा, नहीं अब क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिएगा व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम डी टू देन द पोलैरिटी चेंजेस, पोलैरिटी चेंजेस, क्यों चेंज होता है क्लियर है ना, पोलैरिटी चेंजेस क्यों चेंज होता है, टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके वहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तब ना उस पर फोर्स लगेगा। ये सेकंड केस देखो हुआ, ये फर्स्ट केस का बताएं, और ये किसका है सेकंड केस का, ठीक है। अभी क्या पोलैरिटी में चेंज दिखाई देगा तुमको, अब डी टू क्या हो जाएगा बोलो, D2 हो जाएगा पॉजिटिव, और D1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, देखो D1 नेगेटिव हो गया, D1 नेगेटिव हो गया, D2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये कंटिन्यू होता रहेगा एंड सो ऑन, है ना। ये दूसरा पॉइंट हुआ, फिर चलो तीसरा पॉइंट यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं। चलो ये वाला तुम्हारा हुआ D2 था ना, ये D2 था कि D2 लिया था ना इसको, और ये वाला तुम्हारा है D1, दिस इज D1, ठीक है। तीसरा पॉइंट द रेगुलर फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज, चार्ज का स्पीड को बदल देता है। तुम लोगों को याद करो, तुम लोगों को पढ़ाया होता दिन से स्पीड कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बार 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 इसको ढकेल रहा है, कब ढकेल रहा है, जब चार्ज यहां पर एंटर कर रहा है, जब जब ऐसे घूम रहा है तो हर राउंड में यहां पर एक बार एंटर कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार इसका स्पीड को बढ़ा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते उसको क्या, स्पीड को बढ़ना मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ना का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, एक्सेलरेशन होना, स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो वही चीज लिख रहा है, द रेगुलर फोर्स ऑफ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज है, एक्सेलरेट्स, तो आगे वो आएगा उसमें डिस्कशन कि क्या होता है उससे एक्सेलरेट हो जाएगा, तो उससे एक्सेलरेट हो जाएगा ये, और एक्सेलरेट हो जाएगा और हाई एक्सेलरेशन से जाके अपने जो भी टारगेट है उसको हिट कर देगा, समझ आया। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्पीड को चेंज करके उसको एक्सेलरेट करवा देता है, और तुमको पता होगा ये एक्सेलरेशन कैसे निकालोगी, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालोगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो ये डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। देखो हम बता देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, हम 1,00,000 बोल रहे हैं, समझ रही हो ना, 1,00,000 कितना, 1,00,000 बार वो ऑसिलेट करता होगा, 1,00,000 बोलने का मतलब 1,00,000 बार वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता होगा, ठीक है, एक सेकंड में उतना बार ऑसिलेट करता होगा, धर धर धर। इसलिए तो हम लोग को जो हम लोग देखते हैं जो घर में बल्ब होता है, घर में बल्ब एसी पे काम करता है ना, लेकिन हम लोग को कहाँ बल्ब ऐसे जलते बुते दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, आँख उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो बात है, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक्सेलरेशन कैसे प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई मास। तो फोर्स क्या लिखोगे यहाँ पर, क्यू ई चार्ज पे लग रहा है अपॉन क्या मास, तो ये एक्सेलरेशन होता है उसमें, क्या बोल रही हो, नहीं एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स से कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन इतना होता है बाई एक्सेलरेशन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फोर्स का तो अलग से निकालोगी ना एक्सेलरेशन, बस हम ये तुमको समझा रहे हैं कि एक्सेलरेशन वो कितना करेगा, वो समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। टोटल फोर्स तो वो है ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों लग रहा है, वो तो अंडरस्टूड है ना कि उस पर लॉरेंस फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों मिल के फोर्स लगा रहा है, बट जो एक्सेलरेशन है जिसको जो चार्ज का स्पीड को बदल रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड उसका स्पीड को बदल सकता, नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो उसे घुमाते रहता है कॉन्स्टेंट स्पीड से, हाँ भले उसका डायरेक्शन बदल देता लेकिन स्पीड को नहीं बदल सकता है वो, स्पीड को क्यों नहीं, तो पता है ना,
क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेट नहीं करवा सकता है उसको, इसीलिए कांस्टेंट फोर्स लगा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको लगातार लगातार बार 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 फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वो चार्ज एक्सेलरेट हो जा रहा है। वही तो कहानी तभी से बता रहे हैं। तो ये बना लो जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूलाज के ऊपर अब बात करेंगे हम लोग। अच्छा, तुमको एक बात मालूम है कि ये कितना पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ना, तुमको ये बात मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का होता है और जो चार्ज का घूमने का फ्रीक्वेंसी है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब देना जितना देर में चार्ज जैसे घूम के वापस आए, उतना देर में वो जो प्लस माइनस वाला है वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको बता भी नहीं था कि उसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इस कंडीशन को व्हेन द फ्रीक्वेंसी नहीं, वो हमेशा ही बराबर होता है ना, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज का जो ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी है ना, तो जब ऐसा बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। दिस कंडीशन हमेशा इक्वल होगा तब ना वो घूम पाएगा। मान लो कि हमेशा इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर मान लो कि कभी उसका ज़्यादा हो गया चार्ज का घूमने का, तब तो प्लस माइनस लेट से होगा, तब तो चार्ज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, समझ रही हो। तो हमेशा बराबर ही होना चाहिए, ये रेजोनेंस कंडीशन हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो फिर साइक्लोट्रॉन में वो चार्ज नहीं घूम पाएगा, वो तो वापस हो जाएगा ना पाथ में, बताए थे अभी, समझाए थे थोड़ी देर पहले। नहीं समझ में आ रहा ना तुमको? आ रहा है हाँ। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। नहीं वैसा थोड़ी होता है यार, एक बार मिसमैच हो गया वो वापस चल गया, एक बार तुम्हारा रिदम टूट गया, तब फिर फायदा क्या, फिर से दोबारा से मेहनत करो, ठीक है। तो उतना उतना फिर तो बेकार हो जाएगा फिर, तब तो कभी कभी दिखेगा हमको चार्ज पार्टिकल के धीरे निकल रहा है कभी धीरे मूड के हिसाब से, कभी धीरे निकल रहा है, कभी तेज निकल रहा है, वैसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया तो पता ही है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू कितना होता है, तभी से लिख रहे हैं, बोलो कितना होता है, क्यू बी बाई 2 पाई m, ये होता है। अभी फॉर्मूलाज के ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे हम लोग। अच्छा, ये सब सब पॉसिबल किस वजह से हुआ, ये सारा चीज़ पॉसिबल किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है ना, चार्ज के पास नहीं है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट कर रहा है वहां पर कि चार्ज ऐसे ऐसे से घूमेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो उसको धीरे धीरे घुमाते रहता, पूरा काम ही खराब हो जाता। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही उसको हाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है, बार बार उसको थप्पड़ मार के, क्या बार बार थप्पड़ा के उसको। चलो ये बना लो हम लोग, फिर नेक्स्ट अब बात करेंगे फार्मूलाज के ऊपर, है ना, कि फार्मूलाज कैसे कैसे आया वो सब के बारे में। चलो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे फार्मूला के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला, अच्छा वो तुम लोग लिखी हो ना कि जो डीज है वो मेटालिक है, वो पता होना चाहिए, डी वन डी टू डीज आर मेटालिक, है ना। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला देख लो इसका, फॉर्मूला तुमको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जैसे ये सोर्स है तो ऐसे बना रहा है। अच्छा एक बात क्लियर करो, देखो ऐसे सर्कल्स बना रहा है ना वो, उसके बाद निकल जा रहा है। तो तुम देखो यहाँ पर उसका रेडियस अलग है, यहाँ पर रेडियस अलग है, मान लो यहाँ रेडियस R1, यहाँ R2, यहाँ पर R3, फिर मान लो एक और सर्कल बना ले वो, तो एक मैक्सिमम रेडियस बना के फिर वो बाहर निकल जा रहा है ना। मान लो ये वाला रेडियस बनाया, उसके वजह से वो क्या निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, फिर यहाँ से उसको जगह दिए हुए हैं ना यहाँ निकलने के लिए उसको। तो ये मान लो ये वाला रेडियस क्या है, ये रेडियस मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो एक मैक्सिमम रेडियस होगा। अच्छा जब मैक्सिमम रेडियस आएगा तो उसका स्पीड भी वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो वो थप्पड़ नहीं खा पाया ना, तो फिर उसका दोबारा स्पीड नहीं बढ़ पाया। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब मैक्सिमम रेडियस होगा, और उस वक्त उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² वी मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना, अभी इसका यूज करके हम लोग थोड़ा फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ कि अभी हम यहाँ पर ना एक रेडियस लिखेंगे फॉर्मूला, तुमको ये बात पता है कि चार्ज ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और जब ऐसे सर्कुलर पाथ में एक बार मान लो ऐसे घुमा तो मान लो उसका रेडियस है r, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, ऐसे लगता है भाई साहब, सब पढ़ के गुड़ गोबर, ऐसे थोड़ी लगता है मैग्नेटिक फोर्स। सर्कुलर पाथ में जब ऐसे वो घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे इनवर्ट लगता है ना, और इसके अवे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, और इसके सेंटर की तरफ मैग्नेटिक। सब भूल गई, ये याद करो, ऐसे सर्कल था उसमें ऐसे चार्ज घूमता था तो चार्ज पे ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगता था, फिर इससे अवे भी लगता था एक सेंट्रीफ्यूगल, दोनों कैंसिल होता था, ऐसे कुछ बताए थे हम। तो यानी कि ये जो सेंट्रीपिटल होगा ये किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक के, और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगी, क्यू वी बी साइन 90 लिखोगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज का वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों में 90 बन रहा है साफ साफ, देख लो
वेलोसिटी ऐसे है चार्ज का, और मैग्नेटिक फील्ड याद करो इनवर्ट बना रहे थे उसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो 90 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर क्यू वी साइन 90, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये आर कौन सा रेडियस है? रेडियस बहुत सारा है, नहीं मैक्सिमम नहीं, रेडियस बहुत सारा है, हम कोई भी एक रैंडम रेडियस आर उठा लिए, मतलब भाई साहब रेडियस तो ये हमेशा चेंज कर रहा है ना जब जब एक्सेलरेट हो रहा है, क्या नहीं मैक्सिमम रेडियस अभी नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं मैक्सिमम का कब जरूरत पड़ेगा, जब हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना होगा। देखो अगर मैक्सिमम रेडियस लेंगे तो स्पीड भी कौन सा लेना पड़ेगा, तो तुम मैक्सिमम भी ले सकती हो, लेकिन अभी हम के जनरल केस हम ले रहे हैं, तो इसलिए हम कोई वाला भी स्पीड पकड़ ले रहे हैं, तुम चाहो तो इसको पकड़ लो, तुम चाहो तो इसको, लेकिन सब पकड़ सकती हो क्या, पागल हो गए लो, या तो इसको पकड़ोगे तो इसको छोड़ना होगा, समझ रही हो मैं बात क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक, तो यानी कि हम यहाँ से अब ये वी स्क्वायर से वी कैंसिल हुआ और साइन 91 हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से क्यू बी बराबर एम वी बाई आर, तो यहाँ से आर निकालोगे तो कितना आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी, देखो वही फॉर्मूला आएगा रेडियस भी, मतलब ये रेडियस उस सर्कुलर पाथ का होगा। अच्छा टाइम पीरियड निकाल सकती हो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगी, टू पाई आर, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस हुआ उसका अपॉन स्पीड कितना है v, फिर यहाँ पर v को चिपकाओगी, ठीक है कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हम, अरे सॉरी, हाँ ठीक ठीक, तो यहाँ पर टू पाई आर बाई v होगा, तो ये r को ये चिपकाओगी, तो r के जगह पे ये जब डालोगी तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई v, और r के प्लेस पर डालोगी एम वी बाई क्यू बी, तो देखो ये वी वी कटेगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ से 2 पाई m बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड आएगा, मतलब चार्ज को एक चक्कर काटने में जो समय लग रहा है वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसी टाइम पीरियड से तुम क्या निकाल लोगी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसी को तुम उल्टा कर दो, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी, तो इसको हो जाएगा तुम्हारा क्यू बी बाई टू पाई एम, तो ये तुम्हारा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकती हो। अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, ये फ्रीक्वेंसी जो है क्या इसमें चार्ज कौन सा रेडियस फॉलो कर रहा है, वो आ रहा है इसमें, भाई साहब चार्ज का रेडियस हर समय चेंज कर रहा है, क्योंकि चार्ज कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, यहां पाथ लिख देते हैं स्पाइरल पाथ, हेलिकल है क्या, नहीं स्पाइरल पाथ, स्पाइरल मतलब गोल गोल, स्पाइरल ऐसे गोल गोल बोलते हैं, तो हर जगह रेडियस कभी ये कभी वो रेडियस बदल रहा है, क्या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, नो अच्छा हर समय उसका स्पीड भी बदल रहा है, क्योंकि हर समय थप्पड़ बदल रहा है, थप्पड़ बदल नहीं रहा है ऐसे, मतलब हर समय थप्पड़ मारे जा रहा है तो गाल गर्म होते जा रहा है ना, तो उसका बढ़ते जा रहा है एनर्जी, एनर्जी बढ़ते जा रहा है उसका हर समय, हर इंस्टेंट पे, हर थप्पड़ पे एनर्जी बढ़ रहा है उसका, तो उस हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी हर वक्त बढ़ना चाहिए, लेकिन देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला में स्पीड तो आ ही नहीं रहा है, तो ये बात लिखना है कि द साइक्लोट्रॉन, अभी लिखवाएंगे हम ये, इसलिए सब करवाया गया द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और एग्जाम में अगर आया तो ये सब करके दिखाना होगा, ठीक है। द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द चार्ज एंड स्पीड ऑफ द चार्ज विच इज चेंजिंग रेगुलरली, रेडियस और स्पीड रेगुलरली चेंज कर रहा है, लेकिन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तभी से प्रिंसिपल में भी ये लिखवाया गया है कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी। चलो यहां पर लिखते हैं साइड में, ये समझाने के लिए बनाया था ये डायग्राम, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइड में जो समझाएं, ये साइड में जो समझाएं वही उसी का एक्सप्लेनेशन है, तो यहां पर लिखते चलो ये सब सारे से, एंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड ऑफ द चार्ज चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि ऐसा ये बात इतना जरूरी क्यों है साइक्लोट्रॉन में, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के केस में हर वक्त उसका चेंज होता रहता है ना रेडियस और स्पीड, और जरूरी भी है, इसलिए तो साइक्लोट्रॉन बना रहे हैं ताकि उसका स्पीड बढ़ते 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 एक्सेलरेट हो जाए खतरनाक टाइप से, है ना, तो ये लिखो जरूर से, फिर हम लोग आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में, इसका आगे का डिटेल, मतलब कि इसका लिमिटेशन और ये सब, ठीक है बना लो इसको जल्दी से। देखो अभी एक चीज़ और छोटा 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 बता हुआ है फॉर्मूला में, अभी तक हम लोग सारा निकाले कैलकुलेशन किए, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे, तो इलेक्ट्रॉन बोल दे रहे बार बार सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि घूम रहा है उसका जो रेडियस है बार बार चेंज हो रहा था ना अभी बताए थे, ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ वो सब आएगा लिमिटेशंस में, अभी कहाँ, अभी रुक जाओ ख़त्म तो होने दो पहले, ठीक है। ये देखो ये रेडियस इसका यहाँ पर अलग है, यहाँ से निकला है ना वो, यहाँ अलग रेडियस,
फिर यहाँ अलग, फिर यहाँ अलग, और ये वाला को क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रेडियस, क्या कंप्लीट सर्कल, मतलब हम बना के कहना क्या जरूरी, हम बना के दिखाएं सर्कल, क्या कर रहे हैं कंप्लीट सर्कल का क्या मतलब, मतलब हाँ, अरे तो सर्कुलर पाथ बना के ही घूम निकल रहा है ना वो, सर्कल बना के ही निकल रहा है ना। अरे यार तुम देखो, तुम लोग पहले तो जो डिवाइस है उसको पहले समझो कि कैसे, ये कह रही है कि सर जैसे देखिए यहाँ पर आप क्यों ले गए, आपको तो इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, यही कह रही हो ना, यही कह रही हो ना कि सर आपको तो यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो निकल गया, फिर वो फिर आप ऐसे पूरा गोल क्यों कर रहे हैं उसको, उधर क्यों लेके गए, वही कह रही हो ना बकलोल। ये ऐसे करके बनाओगी तो एक सर्कल तुमको दिखेगा ना कंप्लीट, समझ आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं। देखो ये रेडियस जब जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचा तो हम समझ गए कि अच्छा मतलब यहाँ तक उसका स्पीड पहुँच गया, तो मतलब इतना रेडियस बना होगा। ये मत सोचो कि यहाँ मैथ थोड़ी चल रहा है कि पूरा सर्कल बनना चाहिए इतना सेंटीमीटर का और तब निकाले, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक बार ये इस राउंड में पहुँच चुका तो मतलब इसका स्पीड भी उतना ही चेंज हुआ होगा रेडियस के हिसाब से, मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मारा होगा उसको एक थप्पड़ खींच के, तो उसी तो एक स्पीड से ऐसे राउंड मारा होगा, लेकिन हुआ क्या कि घूमने वाला था ये, बट यहाँ पर क्योंकि तुम रास्ता खोल दी इसलिए वो निकल गया वहाँ से, लेकिन उस रेडियस को तो बनाया ना वो, तो उस रेडियस के दौरान वो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव किया होगा या फिर एक मैक्सिमम स्पीड अचीव किया होगा, ये है लॉजिक। अब तुम ये मत सोचो कि सर सर्कल बनेगा तभी हम रेडियस खींचेंगे, सर्कल तो बन ही रहा है, समझ आया। अब ये मत सोचो सर यहाँ सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल का भी तो रेडियस होता है, ठीक है समझ आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं। तो हमको कैलकुलेशन करना है, अब कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा सर्कल बनेगा तो ही हम कैलकुलेशन करेंगे, वैसे कुछ नहीं है। तब तो बोलोगे सर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ये सेमी सर्कल होता है तो हम नहीं निकालेंगे उसका, क्योंकि वहाँ पर पूरा सर्कल कहाँ बन रहा है वो तो आप तो ये तो पूरा सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं तो आप तो आधा कर दिए, तो पूरा सर्कल थोड़ी कंप्लीट हुआ, तो रेडियस आप नहीं लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया मेरी बात हम क्या बोले हैं, तो ये तो इलॉजिकल सवाल है, तो आउट ऑफ द कोर्स हो गया फिर ये सर इस सर्कल कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब तो फिर पूरा पीछे वाला में भी तब तुमको सवाल उठाना चाहिए फिर और क्या। चल देखो अभी यहाँ हम लोग वापस आते हैं और अब हम लोग निकालेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी, कौन सा वाला मैक्स, मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम क्यों, वो सारा हम एक्सप्लेन कर दिए ऐसे, मैक्सिमम इसीलिए क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा 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 ज़्यादा, बढ़ते 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 यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रेडियस बनाया वो, मतलब यहाँ पर नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये वाली तो ऐसे ही बना रहे थे, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो है उसमें उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, हर पॉइंट पे उसको काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, लेकिन हम लोग कौन सा निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किताब में अलग सिंबल देते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्पीड लोगी तब ना मैक्सिमम आएगा, बोलोगे सर मास भी मैक्सिमम है, पागल है, मास तो कॉन्स्टेंट है उस पार्टिकल का। अब देखो यहाँ पर इसको किताब में थोड़ा अलग टाइप से लिखता है, ऐसे लिखता है वी मैक्स, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखता है, थोड़ा सा तुम समझ जाओगी वो, इसको के ऐसे नहीं लिखता, उसको के नॉट लिख लेता है, तो के नॉट का मतलब भी वही कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नॉट क्यों लगाया क्योंकि बताना चाह रहा है कि मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पर जब जहाँ पर कैलकुलेशन कर रही हो उसी में कंटिन्यू करना है ना, जो कैलकुलेशन चल रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे उसको हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो ये वी नॉट निकालना पड़ेगा, तो निकालना बहुत आसान है, इसको मान लेते इक्वेशन वन, तुम लोग पीछे इक्वेशंस लेके आई थी ये वाला ना, अरे वो इक्वेशन था ना वो इक्वेशन हम लोग एक निकाले थे ये वाला रेडियस का, क्या निकाले थे रेडियस का एक्सप्रेशन, एम वी बाई क्यू बी निकाले थे। तो यहाँ पर ये रेडियस को हम एक काम करते हैं आर नॉट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अब आर नॉट क्यों ले रहे हैं रेडियस को, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेडियस का, है ना। तो ये जो मैक्सिमम रेडियस है उसी को हम एज्यूम कर लिए आर नॉट, और यहाँ पर स्पीड क्या ले लेंगे मैक्सिमम, तो यहाँ से वी नॉट कितना निकल जाएगा, बोलो आर नॉट क्यू बी बाई एम, ये सब मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ये सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये दोनों चेंज हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, देखो ठीक है। तो यहां से वी नॉट चिपका दो तो के नॉट कितना आ जाएगा, हाफ एम वी नॉट का वैल्यू डालोगी तुम आर नॉट क्यू बी बाई एम, उसका क्या होगा होल स्क्वायर, तो के नॉट कितना आ जाएगा यहां से, हाफ एम आर नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा के नॉट, के नॉट आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई टू एम, समझ आया, ये आर नॉट का फॉर्मूला, के सॉरी के काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला, जो कि रट लेना है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई टू एम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर क्या एग्जैक्टली वी मैक्सिमम है ये वाला,
जिसको कहाँ यूज़ किए, मान लो कि इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू को कहाँ यूज़ किए हैं, देखो इसमें वन में यूज़ किए है ना, और मैक्सिमम ले रहे हैं इसलिए वी नॉट लिख रहे, कोई डाउट ही सब में, चलो बना लो। और ये समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये समझ, यहाँ जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो कितना होगा, वी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी तब होगा के नॉट, लेकिन बाकी सब में क्या होगा, अलग 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 काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा यही होगा, ठीक है। इसीलिए किताब में सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है, लेकिन बहुत लोग पढ़ भी लेता है लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम बोले चलता है, उसका मतलब नहीं पता, क्योंकि हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है ना, तो मैक्सिमम तो यहीं पर, ठीक है बना लो इसको जल्दी से। तुम चाहो तो यहाँ पर ऐड भी कर सकती हो है ना, याद रखने के लिए, ये डायग्राम तो नहीं बनाना होगा, डायग्राम तो याद रहेगा ना, छोटा सा चाहो तो ये बना भी सकती हो, लेकिन इस बात को हम यहाँ लिख ही देते हैं कि आर नॉट क्या है, दैट रेडियस, दैट रेडियस व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, वो रेडियस पार्टिकल का जब उसका स्पीड मैक्सिमम हो, उस वक्त का रेडियस को हम लोग बोल रहे हैं आर नॉट, ये आर नॉट के बारे स्टोरी हुआ। देखो आगे आगे हम लोग ये क्या बोलते हैं, अरे तो मिटा ही नहीं यार, एग्जाम में आया तो हाँ पूरा लिखना है, लिमिटेशन तक पूरा जितना लिखवाया गया सारा लिखना होगा एग्जाम में आया तो। लिमिटेशन का देखो यार, लिमिटेशन नहीं बोलना चाहिए, चलो कोई नहीं है, लिमिटेशंस कुछ भी, लिमिटेशंस कमियां, लिमिटेशंस, लिमिटेशन पहला, लिमिटेशन नंबर वन, जिसका तुम लोगों का सबसे सबसे ज्यादा तभी से इंतजार था, यहां लिखते हैं, इट कैनॉट एक्सेलरेट, इट कैनॉट एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का ही बात कर रहे हैं हम, तो चाहे इलेक्ट्रॉन ही लिख लो इससे अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं करवाता है भाई, क्यों, करवाने का कोशिश जरूर करता है लेकिन हो नहीं पाता है, क्यों, उसका रीज़न सिंपल है बहुत, देखो बता रहे हैं। देखो तो इसको समझने का दो तरीका है ऐसे, है ना, यहाँ पर जैसे तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, देखो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का अभी जस्ट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, फोर्स बाय मास, और यहाँ पर फोर्स क्या लिखेंगे, क्यू ई अपॉन एम, और ये चार्ज कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब तुमको एक बात मालूम होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो हम लिखवा रहे हैं वहाँ से कि पॉजिटिव को करवाएंगे, उसमें अल्फा पार्टिकल बोल रहे थे, और अल्फा पार्टिकल में कितना पॉजिटिव होता है, दो, मान लो कि एक ही पॉजिटिव है। अच्छा तुमको पता होगा कि जो मास होता है प्रोटॉन का वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज़्यादा होता है ना मास, कितना होता है बताओ प्रोटॉन का मास, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मास, 9.1 इंटू 10 का पावर, बहुत अंतर आ गया ना, बोलो कि अंतर का, हमको तो सेम लग रहा है, देखो ना -27 31 कितना अंतर है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव में छोटा है ना तो इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो बस इतना समझ लो कि जो मास है प्रोटॉन का वो बहुत ज़्यादा है, क्या कौन कौन ये है? इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है, 1.67 होता है, 1.67 टेन का पावर -27, तो तुम क्या सोच रही हो, ठीक है, तो ये होता है मासेस दोनों का, मतलब प्रोटॉन का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है, ये समझ गए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम है ना मास तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। अब सुनो उससे क्या होगा, देखो ये डीज था ऐसे करके, डीज ऐसे था, ठीक है, और यहाँ क्या लगा था, एसी सोर्स। अब देखो होगा क्या, तुम बताओ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्यू बी बाई 2πm, और यहां मास किसका रखाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसमें, अगर यहां सोर्स में इलेक्ट्रॉन है तो मास किसका लिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या है, कम है, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, मास कम है ना उसका तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। हाँ भाई साहब वैसे थोड़ी होता है, मजाक चल रहा है क्या है? तो किसको, जैसे तुम एक बार लगाई अगर ऑसिलेटर
तो फिर क्या करोगे, उसको हटाओगे फिर दूसरा लगाओगे, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा फिर दूसरा लगाओगे, तो मतलब तुम इतना ऐसे हटाते लगाते रहोगे, ऐसे करते रहोगे। ये देखो पगली है। देखो यहाँ पर ये लगता है इसमें इसका आत्मा आ गया। वो मैम कौन है तुम्हारे कॉलेज में? वही, उसी का आत्मा आ गया। देखो बता रहे, जैसे ये सोर्स है ठीक है, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, समझो क्या दिक्कत है उसमें। जैसे तुम बोल रहे ना सर इसको, जैसे तुम ये तुम क्या सोच रहे हो, हम बता रहे हैं, तुम ये सोच रहे हो कि सर जैसे इसकी ये साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, ये सोच रही कि जैसे देखिए मास है, जैसी है मास को, हाँ अभी कम है इलेक्ट्रॉन का, तो मास कम है तो ये एफ सी को क्या करेंगे हम, मतलब एफ सी बढ़ गया ये। अब एफ सी किसका बढ़ा है, ये सोर्स का या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का बढ़ा है, तो ये कह रही है कि सर इसका भी बढ़ा देते हैं और फिर दोनों को बराबर कर देते हैं। लेकिन वैसा नहीं कर सकती, क्यों अभी समझा रहे। देखो क्या होगा कि ऐसे गया ये, जाने के बाद फिर ऐसे जा रहा था वापस, तो अभी यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस है, और यहां पर क्या है प्लस। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऐसे बनता है ना, तो ऐसे नहीं बनाएंगे उसको, प्लस ले लेंगे, यहां क्या ले लेंगे माइनस, ठीक है, तब ये ऐसे जाएगा ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, उल्टा बना लिया ना, यहां पर यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा वापस, समझ आया? अच्छा तो इसको और ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझ लो इसको, जैसे मान लो तुम ऐसा सोच लो, जैसे देखो यहाँ पर मान लो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो काम तो हो जाएगा मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा दिशा में जाता है। लेकिन ये एक बार होगा, दूसरे बार में जब इलेक्ट्रॉन आएगा ठीक है, तो बहुत तेजी से जाएगा ना ऐसे करके, मतलब ये वाला जो है ये 100 बार ऑसिलेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बार ऑसिलेट कर जाएगा उसमें, मान लो कि इलेक्ट्रॉन उस उतना देर में 150 बात कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, देखो ये ऐसे ऐसे होते रहेगा और ये धीरे धीरे प्लस माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घूम के आया घूम के जल्दी से, और इलेक्ट्रॉन खोज रहा था कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खोज रहा था कि यहां पर ये वाला जो है मतलब ऐसे चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, यहां माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन सोच रहा था ये चेंज हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो यहां पर क्या पाया, इलेक्ट्रॉन माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको किधर भेज देगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे है ना और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा उसके साथ, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा देगा, भाई साहब कहानी उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं यूज करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, तो हर वक्त एक्सेलरेट होगा ना, हर वक्त उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, मास कम है तो सुनो एक बात समझ लो पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमेगा भी, भाई देखो ये घूम क्यों रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन में ज्यादा लगेगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा वो, समझ आया? तो ये दिक्कत है इलेक्ट्रॉन के साथ कि उसका ये कम है, क्या कम है, मास, तो मास कम होने की वजह से यहां लिख देते हैं हैशटैग ड्यू टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन द एफ सी डिक्रीजेस, और एफ सी डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो यहां पे लिख देते हैं एंड। अब देखो एक बात बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने के बजाय, देखो ऐसे चल रहा था और ऐसे जैसे जाते जाते क्या हो गया, मुड़ गया, तो मुड़ गया तो ये आउट ऑफ द फील्ड निकल जाएगा ना, आउट ऑफ द फील्ड मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ये मत सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको थोड़ा सा थप्पड़ मारेगा, पागल उगल हो, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पर, ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत हाई है, तो ये हल्का से ऐसा नहीं मारेगा, एकदम कस के थप्पड़ मारेगा, लेकिन उल्टा थप्पड़ मार देगा, थप्पड़ मारना है ऐसे, ऐसे पड़ जाएगा थप्पड़, तो ये ऐसे निकल जाएगा, समझ आया, इस पाथ में वापस ही नहीं आ पाएगा, तुम समझो यार, ये वाला बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तब जल्दी जल्दी घूमेगा, लेकिन यहां दिक्कत क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही जल्दी घूम जा रहा है और ये भाई साहब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसको थप्पड़ मारेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्या होगा, उल्टा मार देगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन धीरे से आता ना तो इसको टाइम मिलता एडजस्ट करने का, एडजस्ट करने के बाद ये कैसे होता, ये फील्ड कैसे होता, ऐसे मुड़ जाता ना, तो इस तरफ माइनस हो जाता, इस तरफ प्लस, तब बढ़िया से ऐसे चल जाता, लेकिन हुआ क्या कि ऐसे ही खड़े रह गए और ये पहले पहुंच गया, समझ रही हो मेरी बात क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि तुमको बाहर किसी से मिलने जाना है और तुम लेट कर दे जाने में, तुम्हारे पापा वहाँ आ जाते हैं पहले ही, तो उससे मिल जाता है कौन है भाई, है ना, फिर क्या पता पिटा जाओ तुम वापस, तो वही चीज़ है कि तुमको टाइम पे पहुंचना था वहाँ पर और टाइम पे उसको भेज देना था वहाँ से, वही चीज़ हुआ कि भाई साहब ये जा ही रहा था, समय पे पहुंचने ही वाला था, लेकिन ये जल्दी पहुंच गया और बेचारा वो मुड़ ही नहीं पाया और बात उल्टा पड़ गया और इसको बाहर निकाल दिया, जैसे तुम्हारे साथ होगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, तो यहाँ तक देखो वही लिख रहे हैं एंड द इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ फील्ड,
आउट ऑफ फील्ड, आउट ऑफ फील्ड का मतलब है कि कहानी से ही बाहर हो गया वो, कहानी से ही बाहर निकल चुका। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे खास करके इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये नहीं है। अब थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, लिख लो पहले इसको जल्दी से। देखो दूसरा पॉइंट जो है, देखो दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट है यार थोड़ा थोड़ा जुड़ा ही हुआ है ना, लेकिन फिर भी बताते हैं। देखो किताब में इसको अलग से बताया है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ये जो दूसरा पॉइंट हम बताने वाले हैं ये पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। एक बात बताओ, जो तुम्हारा दिक्कत क्या हो रहा था पिछले केस में, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जा रहा था ना, तो जल्दी पहुँच जा रहा था वो, तो जल्दी पहुँच जा रहा था मतलब स्पीड ज़्यादा था उसका, है कि नहीं बताओ, वही दिक्कत था ना। तो वही चीज़ अभी यहाँ पर फिर से रिपीट होगा कि इफ़ अ पार्टिकल, लिखते जाओ साथ में जल्दी जल्दी, अभी फिर समझाते हैं कि सेम सेम कैसे होगा दूसरा पॉइंट भी, जल्दी लिखो। इफ अ पार्टिकल इज फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग का मतलब, फास्ट मूविंग का मतलब हाई स्पीड है ना, फास्ट मूविंग मतलब हाई स्पीड, हाई स्पीड, देन साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन कैनॉट एक्सेलरेट इट, उसको बेचारा साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, हार मान जाता है, हार मानता है मतलब वही फिर से आउट ऑफ द फील्ड हो जाता है। देखो क्या होता है इसमें, समझो इसमें एक आइंस्टाइन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। देखो क्या है ये बता रहे, सेम सेम है दोनों पॉइंट है ना, बात एक ही है। देखो समझो यहाँ पर फिर से वही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दोबारा आएगा। मेन हमको मेन खतरनाक बात क्या है यहाँ पर, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मेन तो वही है ना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा पिछले वाले केस में क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो रहा था, तुम बोलोगे सर तो आप तो दिखाए थे कि मास उसका बढ़ रहा है, सॉरी मास क्या दिखाए थे, क्या कम हो रहा है बताए थे। अरे कम होने का मतलब कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन से, हम ऐसे थोड़ी बोलते उसका मास घट रहा है, ऐसा बोले थे क्या, हम बोले थे कि प्रोटॉन के कंपेयर में उसका मास क्या है, कम है, ये कह रहे थे हम। ठीक है अभी देखो यहाँ पर ध्यान से, ध्यान से देखना, अभी हम क्या कहना चाह रहे पता है कि मास कम होने लगेगा, सॉरी मास बढ़ने लगेगा, अभी हम मास को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला पढ़ी हो, एम बराबर एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बोलोगे सर पहली बार देख रही क्या है ये। एम नॉट का मतलब होता है रेस्ट मास, क्या होता है रेस्ट मास, रेस्ट मास हम लोग सबके पास रेस्ट मास होता है, हम लोग है ना एम बराबर एम नॉट होता है, हम लोग इंसानों का, हम लोग इंसान है, इंसान का एम बराबर एम नॉट होता है, मतलब हम लोग का जितना बैठे हुए मास है चलते हुए भी उतना ही मास होगा। लेकिन आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल चलते चलते बहुत तेज चलने लगे, और कितना तेज, मामूली नहीं, 3,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लाइट होता है ना, उसके नियर नियर पहुंच जाए, मतलब एकदम नियर नियर मतलब एकदम ही नज़दीक नहीं, जैसे ये सी का मतलब समझ रही हो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, मान लो कि तुम इसके नियर, नियर मतलब समझ रही हो, नियर मतलब एकदम बचवा वाला मत समझ लेना, नियर का मतलब कभी कभी इतना कम से कम, तो इतना स्पीड पहुंच जाओगी तो कम से कम, तो कंपेयर पावर तो कम से कम कंपेयर, फिर भी औकात नहीं हो पाया, कहाँ ये तीन कहाँ ये दो, औकात फिर भी नहीं हो पाया, फिर भी नियर नियर तो पहुंच गया ना। तो अगर इतना स्पीड से कोई पार्टिकल चलेगा तो उसका मास में क्या आएगा, चेंजेस, कैसे आएगा, देखो बता रहे हैं। देखो तुम समझो, हम लोग का ये वी क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हम लोग का वी बहुत कम होता है तो ये दोनों डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, डिवाइड होने के बाद देखो बता रहे हैं, एम नॉट पहले समझ लो यार, ये वन बाई माइनस, ये मान लो कि ये सी का वैल्यू हम डालते हैं, सी का वैल्यू मान लो हम ले लें, सी का वैल्यू कितना होता है, ये होता है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर पहले ही 3 और उसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर। अच्छा ये वी मान लो हम डाल दें, मान लो हम लोग का स्पीड ले लेते हैं, हम लोग का स्पीड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग बहुत धीरे चलते हैं ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बताओ कि ये जब डिवाइड करेगा 5 को तो कितना छोटा नंबर आएगा, समझ रही हो, ये 3×10⁸ का स्क्वायर 5 को डिवाइड करेगा तो 0.0000 कितना छोटा नंबर आएगा, नहीं समझ आया, आ गया। अच्छा जब ये 1 से माइनस होगा तो यहां जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा कि बड़ा, 1 से छोटा होगा कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ आएगा, मतलब रूट अंडर 0.00 कुछ ऐसा ही आएगा, तो इसको तुम नियरली 1 बोल सकती हो, मतलब 1 मान सकती हो उसको। अरे भाई साहब ये 1 से माइनस होगा तो माइनस 1 से माइनस होने के बाद बहुत छोटा नंबर मिलेगा ना यहाँ पर, तो उसको 1 मान लो, 1 से भी छोटा, मतलब 1 से छोटा का मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब 0. कुछ, तो यानी कि ये 1 आएगा नीचे में मान लेते हैं, तो ये हट जाएगा, हटा देते हैं, तो ये एम बराबर क्या हो जाएगा, एम नॉट। तो ये किसके लिए होता है, हम लोग के लिए, लेकिन जो हम लोग का स्पीड क्योंकि 5 होता है, लेकिन इसका स्पीड कितना है, मतलब कोई पार्टिकल है बहुत स्पीड चल रहा है उसका स्पीड इतना है तो इसके कंपेरेबल है। अब देखो क्या होगा उससे, अब देखो उससे क्या होगा बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये हम लोग का केस था समझा दिया तुमको, ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी तुम वहाँ पर वी और सी को कितना डालोगी बताओ, वी को डालोगी 2×10⁸ और मान लो इसका स्क्वायर ऐसे अलग कर देते हैं
और इसका स्क्वायर ऐसे अलग, कोई दिक्कत? और नीचे में यहाँ पर क्या डालोगी, उसको सी का क्या डालोगी, सी का डालोगी 3 का स्क्वायर और यहाँ 10 का पावर 8 का स्क्वायर, ये कट जाएगा ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर और ये कितना होगा, तो कुछ तो मतलब कि इसमें असर आएगा ना, मतलब कुछ तो असर आएगा ही। तो ये जो न्यूमरेटर है ये छोटा होगा या बड़ा होगा, डिवाइड होगा कितना होगा ये बताओ, हैं? ये न्यूमरेटर बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, तो वो सब छोड़ो, ये कितना होगा, ये 4/9 आएगा ना। तो ये जो न्यूमरेटर है नीचे वाला, ये बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, ये न्यूमरेटर छोटा होगा या बड़ा होगा, और छोटा नहीं हो जाएगा, नहीं समझी, वन में से तुम और घटा ले रही हो तो और छोटा हो जाएगा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर अगर बहुत छोटा, तो छोटा कब हुआ, जब तुम ये वी को क्या की, बढ़ाई। तो न्यूमरेटर बहुत छोटा हो रहा है तो हम क्या, हम ऐसा साफ साफ लिख दें कि एम ए बराबर एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 - v² / c² में ये वाला न्यूमरेटर क्या है, छोटा। तो ये एम क्या होगा, मतलब पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा ये कौन सा मास था उसका, असली वाला रेस्ट मास जितना उसका होना चाहिए, लेकिन अभी जो उसका असली मास है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। नहीं समझ आया, नहीं आया समझ में, तुम ये सिंपल समझो कि इसका स्पीड ज्यादा हुआ तो इसलिए मास बढ़ गया। तुम इतना याद रखो ना यार कि कोई चीज बहुत तेजी से चलेगा तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब उससे नुकसान क्या होगा, अगर उसका मास बढ़ रहा है तो तुम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो, उसका शायद होता है QB/2πm। हम लोग मास को क्या करने का बात कर रहे हैं, बढ़ाने का कि घटाने का, क्यों बढ़ रहा है मास, क्यों बढ़ रहा है मास, स्पीड बढ़ रहा है ना पार्टिकल का, तो मास क्या हो रहा है, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, हैं? घटेगा, और घट जाएगा, हाँ क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, तो घट जाएगा तो नुकसान है कि फायदा है, नुकसान है भाई, धीरे चलने लगेगा, वो धीरे चलने लगेगा तो बेकार हो गया फिर तो। ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, दिस इज द प्रिंसिपल दैट एफसी शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। पहले वाले केस में ये क्या कर रहा था, एफसी बढ़ रहा था, इस केस में क्या हो रहा है, घट रहा है, और उसका कारण सिर्फ स्पीड है। समझ आया कि नहीं आया, मतलब पहला और दूसरा केस लगभग सिमिलर है लेकिन कंडीशन अलग अलग है दोनों में, ये समझ आया कि नहीं आया, तो हाँ बोलो। अरे नहीं यार ये नंबर छोटा हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है और ये कम आंसर मिल रहा है, लेकिन ये इतना छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इतना छोटा नंबर से कि इसका वैल्यू बड़ा दिख रहा है हमको। समझ आया, देखो अगर तुम इसको बड़ा नंबर, जैसे हम लोग के केस में क्या होता है, यहाँ बड़ा नंबर से डिवाइड होता है, तो बड़ा नंबर से डिवाइड होता है इसलिए हम लोग का मास जो होता है ओवरऑल कम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जा रहा है। नहीं समझ आया, ये जो वैल्यू है ना ये बहुत छोटा है तो यहाँ जो आंसर मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कंक्लूजन, एम नॉट और एम में एम बड़ा होगा, एम बड़ा होगा और एम नॉट छोटा, यहाँ लिख देते हैं एम बड़ा होगा और एम नॉट छोटा होगा, ठीक है, एम बड़ा एम नॉट छोटा। अब देखो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं इसका, ये पॉइंट तो नहीं लिखी है ना तुम लोग शायद, ठीक है नहीं लिख लिए पॉइंट, हाँ तो चलो हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिखते हैं फाइनल, ये वाला जो ऊपर समझाया हम, ठीक है। अच्छा इसको ठीक करने का भी एक तरीका है, यहाँ लिखते हैं, तुम जाना है तुमको तो चल जाओ, वो नहीं है, द मास इंक्रीजेस, कौन सा मास इंक्रीज कर रहा है, मूविंग मास, उसका चलने की वजह से जो आया, द मास इंक्रीजेस एंड द, यहाँ पर देखो सारा समझाया हुआ ये बात, ये मेन मुद्दा है यहाँ पर इसका, इस वाले पॉइंट का, द मास इंक्रीजेस एंड द मास बढ़ने से क्या हुआ, एफ सी यहाँ लिखते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीजेस, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना नहीं चाहिए, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका है, डिक्रीज होने से क्या होगा पता है ना, वो पार्टिकल क्या होगा धीरे धीरे चल, उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा और वो जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है, नहीं होने से क्या होगा पता है ना, डिफ्लेक्ट होगा, बाहर चल जाएगा फील्ड के, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे करें, तो उसका उपाय है, देखो ये घट रहा है ना, तो घट रहा है तो इनमें से किसी फैक्टर को बढ़ा देते हैं। अब चार देखो ये घटा क्यों, क्योंकि ये वाला बढ़ गया, तो एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, मतलब स्ट्रांग मैग्नेट लगा देते हैं। समझ आया, तो इसको ठीक करने का तरीका है कि एक स्ट्रांग मैग्नेट लगाओ, लेकिन फिर तो छेड़छाड़ हो गया ना सेटअप के साथ, इसीलिए एक लिमिटेशन हुआ इसका। समझ आया, तो यहां पर लिख देते हैं, इट कैन बी
हाँ वही बोले, लेकिन छेड़छाड़ हो गया ना एपरेटस के साथ, तो छेड़छाड़ कर दिया तो गड़बड़ा गया, ठीक है। देखिए देखो इसमें क्या हो रहा है कि वो आउट ऑफ द फील्ड नहीं जा रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन पिछले वाले केस में इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द फील्ड चल जा रहा था। इसमें फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा के, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि जो पार्टिकल है वो फास्ट मूविंग है, तो फास्ट मूविंग है तो हमको ठीक कर लेंगे उसको हम। लेकिन पिछले वाले केस में हमको थोड़ी पता था इलेक्ट्रॉन अचानक से एक्सेलरेट करेगा, कि उसका मास तो इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी ही क्या है पिछले वाले केस में, कम ही है। तो ये वाला जो है, ये वाला चीज़ फैक्टर, ये वाला बढ़ना ही बढ़ना है, समझ आया? तो उसको भी अब तुम इसको घटाओगे कैसे बताओ? पिछले केस को करेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि देखो ये पिछले केस में क्या हो रहा है, ये वाला है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटा दोगी क्या? अरे मैग्नेटिक फील्ड घटा दोगी तो मैग्नेटिक फोर्स घट जाएगा, फिर बढ़िया सर्कल नहीं बन पाएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? तो इसीलिए पिछले वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ बहुत बढ़िया, मतलब और मैक्सिमम कर दो फील्ड, और स्ट्रांग कर दो, कमजोर मैग्नेट लगाओगी तो अजीब बात हो गया ना। पिछले वाले केस में एफसी क्या हो रहा था, है इंक्रीज, तो उसको डिक्रीज करने के लिए तुम कमजोर मैग्नेट लगाओगे वहां पर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। इसीलिए इस केस में ऐसा बोल रहे हैं, इट कैन बी करेक्टेड, लिखो तुम लोग, करेक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रांग मैग्नेट, स्ट्रांग मैग्नेट। चलो यहां पर साइड में लिखते हैं, आइंस्टाइन का ही फॉर्मूला लिख ली क्या, मतलब एक्सेलरेट कहाँ कर पा रहा है उसको, मतलब कि गड़बड़ा जा रहा है ना सिचुएशन, एक्सेलरेट करने का मतलब समझती हो, पर ऐसे घुमा 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 को घूमते घूमते निकाल दिया, ये हुआ एक्सेलरेट। मतलब वो क्या कर रहा है, आधा ही रास्ता में तो गड़बड़ा जा रहा है मामला, तो एक्सेलरेट करने का मतलब ये मत सोचो कि एक बार करना, पूरा पाथ स्पाइरल बना के उसको निकाल देना, ये मतलब है कि साइक्लोट्रॉन उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाया। एक्सेलरेट तो कर ही रहा है एक बार, लेकिन एक बार थप्पड़ मार रहा है बस। देखो अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो आगे का बात था, हाँ यहाँ लिख देते हैं। देखो पहले क्या हुआ कि मेरा जो M था वो बढ़ा, तो FC क्या हुआ, घट गया। तो फिर इस FC को घटाइए, फिर हम लोग क्या किए, तो हम लोग देखें इसको और क्या किए, B को क्या किए बोलो, B फील्ड को बढ़ा दिए, तो B फील्ड को बढ़ाए तो वापस FC क्या हुआ, बढ़ गया। तो एक बार FC घटा, एक बार FC बढ़ा, तो नेट इफेक्ट FC में क्या रह गया, कांस्टेंट, क्योंकि एक बार घटा फिर बढ़ गया तो वापस इफेक्ट कांस्टेंट। तो ऐसे करके ठीक किया, लेकिन बहुत अजीब बात है ना ये, तुम मैग्नेट वहां दूसरा लगाओगी क्या, पूरा खोलोगी उसको, इतना बड़ा सा साइक्लोट्रॉन इतना रूम भर, उसको हटाओगी दूसरा मैग्नेट लगाओगी, पागल हो गए क्या, समझ आए? तो ये भी लिमिटेशन हुआ। चलो नेक्स्ट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी को हम लोग इस केस में बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि तुम पहले कुछ बताई, कुछ बनाई सेटअप, फिर बोलोगी नहीं नहीं इसमें तो हम ऐसा कर देंगे, तो वैसे थोड़ी होता है यार, किताब में लिखा है लेकिन ये चीज़। चलो लिख लो, अब थर्ड पॉइंट आते हैं लास्ट, थर्ड पॉइंट छोटा सा है, ठीक है नेक्स्ट देखना, तीसरा और आखिरी पॉइंट, ये न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, न्यूट्रॉन, ये अच्छा डिमेरिट इसको दिया, एकदम थप्पड़ आई है साइक्लोट्रॉन के ऊपर, साइक्लोट्रॉन के ऊपर ये थप्पड़ हो गया, न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, क्यों भाई, कोई बताएगा हमको क्यों, क्या दिक्कत है, न्यूट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकता है, मतलब न्यूट्रॉन ऐसे गोल गोल क्यों नहीं, तो पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो उससे क्या हो गया, न्यूट्रल होने से क्या हो गया, न्यूट्रल होने से चार्ज जीरो, चार्ज तो है, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्टेंस तो है उसका। देखो न्यूट्रॉन भी एक चार्ज है और एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन एक चार्ज है। देखो तुम अगर बोल रही हो चार्ज जीरो, मतलब तुम ये सोच रही हो कि कटा जीरो हो गया, ये ऐसे थोड़ी होता है, चार्ज लेस पार्टिकल होता है ये, मतलब हम लोग लिखेंगे क्यों लेकिन प्लस और माइनस नहीं मेंशन करेंगे। तो न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्यों, अभी कुछ नहीं समझ आया ना, बताएंगे अभी, ये न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, पहले तो चार्जलेस समझ रही हो, चार्जलेस मतलब चार्ज नहीं है उसमें प्लस माइनस, न्यूट्रल पार्टिकल, लेकिन वैल्यू है चार्ज का, तब ना एग्जिस्टेंस है उसका। अब सुनो भाई क्यों इसको एक्सेलरेट, बड़ा खतरनाक इसका कारण है, देखो बता रहे हैं, ओ माय गॉड मेरा घड़ी खुल गया इसके चक्कर में, देखो बता रहे हैं, यहाँ देखना क्या है, देखो ये ऐसे करके डीज क्या बना दिया, ये डीज लगा रही थी ऐसे करके, ऐसे करके ये डीज और एक ऐसे बना रही थी ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बन रहा था क्या बन रहा था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था है? और इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा था चार्ज को एक्सेलरेट करवाने का क्या, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो या तो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है या तो, ये कैसा चार्ज है, चार्जलेस, इसमें तो चार्जे नहीं है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही होता है, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज पे थोड़ी फोर्स लगेगा, चार्ज होगा तब ना फोर्स लगेगा, समझ आया? तो इसमें तो, इसमें तो चार्ज ही नहीं न्यूट्रॉन में, तो फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा तो खाली ऐसे घूमते रह जाएगा, ठीक है, सॉरी घूमेगा भी नहीं, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी किस पे लगता है? अच्छा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में तो खाली चार्ज का पोलैरिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स तो किसी पे भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स में भी देखते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज में ऐसे लगेगा, प्लस में वैसे लगेगा, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी उससे हमको मतलब नहीं, मैग्नेटिक फोर्स को क्यों नहीं बात करें वो बता देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो खाली घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, एक्चुअल जो थप्पड़ है वो कौन मार रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो बेचारा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो प्लस पे फोर्स लगाता है तो माइनस पे, भाई साहब ये तो चार्जलेस। तो यहां पर इसका रीजन होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सेलरेट्स द पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल पे लगता है। यहां पर तो सारा बात ही गड़बड़ा गया, ठीक है, तो चार्जलेस हो गया, CARGE होगा, चार्ज लेस। चलो थैंक यू भाई, न्यूमेरिकल करवाना था लेकिन क्या करें, मेरा दूसरा क्लास है अभी। चलो थैंक यू भाई।